गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर एट हरिश्चंद्रगढ़ इन अहमदनगर एंड यहाँ से अभी हम ट्रेक हमारी स्टार्ट करने वाले हैं। काफी मजा आएगा, यहाँ पर पीछे बादल का मौसम भी है और साथ साथ ये ग्रीनरी। हरिश्चंद्रगढ़ ट्रेक की शुरुआत होती है 3 डिफरेंट विलेजेस से। फर्स्ट वन इज खेरेश्वर, पाचनाई एंड बेलपाड़ा विलेज। हमने इस ट्रेक को कंप्लीट करने के लिए खेरेश्वर ये विलेज सेलेक्ट किया। दोस्तों, यहाँ पर काफी घना जंगल है एंड इन जंगलों में से ट्रेकिंग कर रहे हम। यहाँ पर आप पीछे दूर दूर तक देखिए, कोई नहीं दिख रहा है, ना तो सिंगल ह्यूमन की वॉइस आ रही है। बिकॉज हो सकता है अभी टूरिस्ट लोग कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, जैसे कि एक लोकलाइट ने मुझे बताया। बट काफ़ी मज़ा भी आता है और थोड़ा अकेला रहना तो डर भी लगता है। बट मेरे साथ मेरा फ्रेंड है श्रेयस, सो हम चल रहे हैं और ट्रिक करने में एटमोस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे। खेरेश्वर विलेज से ट्रेक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप इस विलेज से ट्रेक करना चाहते हैं तो किसी गाइड को या किसी फ्रेंड को साथ लेके चलें। फ्रेंड्स, अभी हम इस छोटे से गैप में से आए हैं। ये बहुत गहरी गैप थी, जस्ट एक इंसान की चलने लायक ऐसी जगह थी। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है इस ट्रेक का। अभी तक मैंने जो ट्रेक्स किए थे वो विंटर या समर के टाइम में किए थे ऑलमोस्ट, तो यहाँ का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है। इतना सन्नाटा लग रहा है दोस्तों, क्या बताऊँ। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे व्यूज काफी अमेजिंग होते जा रहे हैं। इन सह्याद्री रेंजेस में ट्रेक्स और उनकी खूबसूरती, ऐसे लगता है कि उसमें समा जाए। थर्टी मिनट्स ट्रेक करने के बाद हमें एक खूबसूरत ऐसा पॉइंट मिला जहां पर हमने एंजॉय किया। यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप खिलाई है सुबह की। अभी तक तो वेदर बहुत क्लाउडी था बट अभी खुल चुका है, थोड़ी धूप भी मिलेंगी और साथ साथ वो ग्रीनरी अराउंड अस। तो अभी हम एक बहुत टफ समय से गुजरे बिकॉज यहाँ से आप नीचे देख रहे हो एंड पीछे भी आप समझ सकोगे कि क्या है ये छोटा सा झरना, और ये ऐसे ऐसे यहाँ से गुजरता है और हमने गलत वे पकड़ा तो यहाँ से हमें अभी आना पड़ा और काफ़ी दिक्कत गई बिकॉज फिसलन और साथ साथ काफ़ी टफ गिरने के भी चांसेस थे। बट कैसे तो कवर कर लिया, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेकिंग इन विंटर ऑन द बिग हिल्स इज रियली डिफिकल्ट, सो प्लीज बी विथ समवन व्हाइल ट्रेकिंग ऑन एनी ट्रेक। काफ़ी समय जंगल से ट्रेक करने के बाद अभी ये एक ऐसा पैच आ चुका है जहाँ से हमें वो टिपिकल ट्रेक करना है। आप देख पा रहे हो कैसे एक स्लाइडिंग के जैसे है, तो हम कह सकते हैं इसको रॉक क्लाइंबिंग। तो यही है ट्रेकिंग के कुछ टिपिकल टास्क जो हमें टाइम टाइम पर करने रहते हैं। सो दिस इज द टिपिकल पैच ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड यही हम कवर कर रहे हैं। ये मेरा छोटा दोस्त श्रेयस जो कि इस पैच से आगे आगे बढ़ रहा है। सो इस ट्रेक में बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग 2:30-4 बजे भी ट्रेक स्टार्ट करते हैं, तो यही कुछ इन्होंने ये ट्रेक मॉर्निंग में स्टार्ट की थी और अभी रिटर्न जा रहे हैं। रेनी सीजन में इन चट्टानों पर ट्रेकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ से फिसलने का डर बहुत होता है।
ऊंचे पहाड़ों पर जब ये बादल हमें छू के गुजरते थे तो कुछ अलग ही एहसास होता था। So, दोस्तों हम आधी से ज्यादा ट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं एंड पीछे जैसे कि हर रेनी सीजन का इम्पोर्टेंस इन सह्याद्री के हिल्स पे होता है कि धुके मीन्स हम कह सकते हैं क्लाउड कवर जो कि पीछे बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है, इस वजह से जो फॉरकास्ट हो चुका है ना काफ़ी अमेजिंग। एंड यहाँ से और एनर्जी जाग उठी है बिकॉज अभी तक धूप थी एंड अभी धूप जा चुकी है। ऐसे ही चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जो कि प्लेट्यू की तरह है और यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन एंड काफ़ी हरियाली लगती है। एंड जब हम ग्रीन कलर को देखते हैं ना एक कूलनेस का फील हमें दे जाता है वो। एंड इसी कूलनेस में जो वीकेंड होता है ना वो काफ़ी हरा भरा हो जाता है एंड साथ साथ एक नई एनर्जी आगे के आने वाले डेज के लिए दे जाता है। At this point, I was feeling like flying in air and I felt like I was in Switzerland. फ्रेंड्स अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से आपको कलसुबाई अलंग मलंग और कुलंग ये एक ऐसे ट्रेकिंग पॉइंट्स है जो कि सह्याद्री के रेंज में आते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आप अगर पीछे देख पा रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। दिस इज दी अलंग मलंग कुलंग एंड कलसुबाई रेंजेस। जो पीछे का एरिया आपको दिख रहा है ना वहां से हम अभी चलते चलते आए थे और ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर वहाँ से हमने ट्रेक किया। सीधा प्लेटो की तरह था वो फेस एंड अभी यहाँ से थोड़ा और डिस्टेंस कवर करना है। अभी तक मैं सोच रहा था कि हम दोनों अकेले ट्रेक कर रहे थे बट हम किसी और डायरेक्शन से आ रहे थे हिल्स के एंड वो डायरेक्शन थी हम एक डैम की तरफ से आ रहे थे। मैं आपको बाद में नाम बताऊंगा उसका बट यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हो काफ़ी लोग हैं एंड काफ़ी मज़ा आएगा अभी बिकॉज इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस। द टेम्पल नेम इज हरिश्चंद्र टेम्पल एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। हरिश्चंद्र गढ़ पर आपको कई तरीके के केव्स मिलेंगे जिनमें से ये एक जाना जाता है केदारेश्वर केव्स के नाम से और इस केव्स में आपको गणेश मूर्ति की भी स्थापना दिखाई देगी। तो ये है एक प्लेस जहां पर हम रात को कैंपिंग कर सकते हैं, आपको इको दिख ही रहा होगा, ये है गुफा। After visiting few of the places at Harishchandragarh, अभी हम जा रहे हैं इसी वे से पीछे के कोकन कड़ा, द वेरी फेमस कोकन कड़ा। और यहाँ पर आप नाइट स्टे में भी रुक सकते हो विद कैंप एंड ऑल्सो अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा गुफा, तो उस गुफा में भी आप रुक सकते हो। सो अभी हम एक ग्रुप के साथ ऐड हो चुके थे तो उनके आगे हम आ चुके हैं, वो थे अंधेरी से एंड फिलहाल हम कोकन कड़ा से जस्ट 10 मिनट दूरी पर है एंड यहाँ पर काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, मुंबई जालना औरंगाबाद, हम हैं पुणे से एंड संडे वीकेंड डेज तो होते ही है घूमने के लिए तो काफ़ी अलग अलग जगह के लोग हमें मिले, दैट्स रियली नाइस।
Whoa, wonderful view behind me. Now you can see the cloud curve over our head. And क्या कहेंगे इस view को जब हम cloud curve में आ जाते हैं और यहाँ से जो feel होता है ना काफी really बहुत खुशी दे जाता है. And इसी view के लिए हम rainy season में trek करने आते हैं. अभी मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं I don't know, but कोकनकड़ा is just 200 meter away from us. Friends, मैं सोच रहा था आपको कोकण कड़ा दिखा दूं, बट इतन तर कहीं से नहीं दिखता है. और I don't know यहाँ से वो कितना डीप है, but approximate 1000 to 1500 feet तो होगा ही होगा. एंड अभी तो वाइट वाइट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग हेवन में आ चुके हैं और उसके ऊपर कई खड़े. सभी कोकनकड़ा देखने के बाद यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने जो कि स्पेशली जालना डिस्ट्रिक्ट से है. तो जैसे सोलो ट्रिप करते तो ग्रुप के साथ तो एक अलग मजा रहता है, तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ और उनसे भी जान लूँ. तो कुछ कहिए इस ट्रिक के बारे में. फर्स्ट टाइम आए हैं. और आपको कैसा लगा इस रेनी सीजन में ट्रिक करते हुए? बहुत पैर दुख रहे हैं अभी. ओके, ये तो सबके साथ ही होता है कि पैर दुख रहे हैं. तो दिस इज माय सेकंड ग्रुप ऑन दिस हरिश्चंद्र गढ़. एंड इनसे भी हम पूछेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा. ये सारे लोग ट्रैवलर से बोरीवली से आए हैं मुंबई. बेसिकली मेरा सेकंड ट्रैक है. हाँ. और फर्स्ट ट्रैक तो मैं सोंडाई फोर्ट गया था, तो वहाँ पे तो एक्सपीरियंस मिला था कि कैसे क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके आने चाहिए. और एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने ना बहुत बॉटल्स लेके गया था, 3 पानी का बॉटल लेके आया था. तो इट वाज वेरी हेक्टिक. तो अभी मैं रियलाइज कर लिया कि क्या मतलब प्रॉपर लेके जाना चाहिए. ओके. और एक्चुअली हम लोग ने ना सिर्फ मतलब गैस डिसाइड मतलब प्राइस डिसाइड किया था कि क्या है कॉस्ट ये ट्रेक का. ओके ओके. और मतलब रिसर्च ही नहीं किया था कि कैसा है ये ट्रेक, मतलब कितना डिफिकल्ट है. और 2 दिन पहले हम लोग ने देखा वीडियो, मतलब बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली ये ट्रेक. वीडियो देखा यूट्यूब पे. ट्रैकिंग करने में मजा आया हरिश्चंद्र गढ़ में. बारिश रहता तो और मजा आता. इंजॉयमेंट हम लोग बहुत मजा किए, लेकिन बिन बारिश रहता तो मजा आता. क्या बोलवाएं, और कुछ नहीं. और ऐसा रहा इनका एंजॉयमेंट, काफी मजा आया. इनसे भी अभी मैं फ्रेंडशिप कर पाया. तो अभी मैं हूँ औरंगाबाद के एक ग्रुप के साथ. तो आपके ग्रुप का नाम क्या है सर? अपने ट्रिप. तो इनका भी एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन्होंने कैसे एंजॉय किया, इनको कुछ डिफिकल्टी आई क्या? नहीं, वैसे तो मेरे को तो डिफिकल्टी नहीं, पर मेरे साथ जो नए आए वाले बच्चे वो उनको साथ में लेके चलना पड़ता है. एक्चुअली मेरा ये जो ट्रेक है मैं बहुत मतलब हर एक वीक में करता हूँ, हर वीकेंड में. ये मेरा छठा ट्रेक है हरिश्चंद्रगढ़, ये मेरा छठा ट्रेक है फिलहाल का. तो हम मतलब ट्रेक ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र. अपने ट्रिप हमारे ग्रुप का नाम है. मेरा नाम भाग्येश सेवलीकर है और हमारे साथ और 3 मेरे दोस्त है. भाग्येश सेवलीकर. भाग्येश जी से मिलके मजा आया और इनके साथ हमारी जर्नी आगे बढ़ेंगे बिकॉज ये एक्सपीरियंस होल्डर है. सर कसं वाटलं तुला फिरून? चांगलं वाटलं. एकदा विजिट करायला पाहिजे सगळ्यांनी, फक्त फॅमिली सोबत विजिट नका करू. का बरं? कारण की 2 दिवस लागतील. माझ्या एकदा टेंट लावा लागेल इथे. ओके ओके. आणि आपली परिसर होईल आणि चांगले मित्र घेऊन निघा सोबत. ओके. तर खूप मस्त वाटलं या ग्रुप सोबत बोलून, कारण हे आहे सर्व मराठी औरंगाबाद मधले. दिस आर द गाइज फ्रॉम अंधेरी हॉस्टेल आरवी. आरवीजी विद्यार्थीगृह. या आप कह लो आपका इंट्रोडक्शन. आई एम फ्रॉम आरवीजी एजुकेशनल फाउंडेशन अंधेरी वेस्ट, करंटली परस्यूइंग सीए. सो इनका हम अभी एक्सपीरियंस जानेंगे कि इस हरिश्चंद्र ट्रेक का कैसे रहा. हम लोग कुल 90% आए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट टाइम ट्रेक कर रहे हैं एंड वेदर काफ़ी अच्छा है. और आप क्या आपका नाम बता दीजिए? मनीष टागा फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. आई एम करंटली स्टेइंग एट आरवीजी एजुकेशन फाउंडेशन इन अंधेरी वेस्ट एंड वी आर अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट्स. ओह माय गॉड. और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगा. सो ये सारे लोग आए 90 to 100 के काउंट में एंड इनका मैं अब एंजॉयमेंट देखते आ रहा हूँ. बहुत चिल्लाते हुए आ रहे हैं एंड सही में ये सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. तो इनको भी आप मस्त हो रहा है. ये देखो आप वेदर भी देख सकते हो. सो इनको भी आप ग्रुप है. हरिश्चंद्र गढ़ पर एक शिवलिंग भी है जिसका ये रास्ता था. ये शिवलिंग
गुफा के अंदर है। After visiting this temple and also watching Shivling, here we are stuck in the beautiful cloud cover and stuck नहीं कह सकते. This is kind of a fun and this is kind of the relaxation in this peaceful environment. यहाँ पर अभी जोरदार बारिश के आसार हो चुके हैं और हमें अभी फिर से 3 hours return back जाना है डार्क क्लाउड के बीच में से. सो काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा अभी बिकॉज हम दोनों अकेले हैं और यहाँ से 2 वे जाते हैं, तो हम ऐसे वैसे जा रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं. और इन बादलों को छूकर खत्म हुआ हमारा हरिश्चंद्र गढ़ का सफर. Welcome everyone, I'm Prem. This is my new video travel blog on district Chandrapur, the black gold city Chandrapur, which is known for its industrialization, history, mythology as well as spirituality, and the integral part is also the farming as well as the tourism, Tadoba National Park. This city is appears to eastern part of Maharashtra state, and also it is known as the hottest city of Maharashtra among all the cities. The total area 10,690 km², population 3,20,000, and employability among people 55%. To visit this place, you have 2 options. The first one is via bus, and the second one is via railway, which is the central part of Indian Railway, and you can visit here through Balasha Railway Station, which is nearer to Chandrapur. The mythological history about Chandrapur is too ancient. This is Mahakali Temple, ancient and famous sacred shrine in the city of Chandrapur. Of Anchaleshwar Temple, which is dedicated to the Lord Shiva. Anchaleshwar Mahadeva Temple is located just outside Ghats Fort in Chandrapur. Also, the sacred statue of Bulnandi is seen near the entrance facing of this temple. The primary source of income in India, the farming. In this district, the primary source of income for the most of villagers is through farming, as they farm rice, cotton, turmeric, chickpeas as chana dal, pigeon peas as tuar dal throughout the season. Self-cultivation is the most important factor in Chandrapur, as they get their food by themselves. Day by day, the tourism attraction is increasing in India, and Chandrapur is not far behind in tourism. The biggest tourist attraction in Maharashtra, that is Tadoba National Park, which is famous for tigers. It established on 1955, total area about 626 km², reserved area 597 km², and protected forest is 32.51 km². Also including buffer forest, the total area is about 1700 km², with total tiger 18 plus. The epic view for the most of the tourists in Tadoba, the Tadoba tiger, the king of jungle. In past few years, Chandrapur tourism is growing.
The industrialization is played major role in the Chandrapur district for employability among people. Production and manufacturer like CSTPS Super Thermal Power Station builds Ballarsha Industry Limited Paper Company, cement factories Ambuja ACC Manigarh and Chandrapur Ferro Alloy Plant MEL is provide the employment. Among all these companies, the Chandrapur Thermal Power Station commissioned on 1983 is the largest power plant in Maharashtra. Total power capacity 3,314 MW and accounts more than 25% of Maharashtra needs to provide electricity in state. To generate the electricity in factory, they use resource as coal in the mines and also the water from Irai Dam. The coal mines is work under the Western Coal Field Limited, India. Ballarsha Industry Limited is a paper production company and is a subsidiary of Avanta Group and was once the India's largest manufacturing paper company. It has 6 manufacturing units in 3 different states, Maharashtra, Orissa and Telangana. As it is developing economy and also the growth of country, pollution is rising a lot in the world. The average life of people is decreasing because of the pollution and its causes towards diseases. So here, without worrying, plant more and more trees in your surrounding. It will reduce the pollution and keeps your surrounding healthy and cool. The education is also good in Chandrapur as it is having Rajiv Gandhi Engineering College, Government Medical College and also Government Engineering College too. This is all about the travel blog video of Chandrapur district. I hope you enjoyed this video blog. Please do like, share and subscribe this video. So thank you for watching again. कल रात का खाना खाया, इतने सारे कीड़े थे, इस वजह से हमने खाना वैसे के वैसे रख दिया. And here's our Maggie in this beautiful weather. Hey friends, hello, good morning from Manali. And अभी हम currently प्रीनी इस विलेज से हामटा पास के लिए ट्रेक स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे दो फ्रेंड आगे जा चुके हैं और अभी एक मेरा दोस्त छुटा यहाँ पर है. ये है पुणे से, इसका नाम है मयंक. हाय मयंक. एंड अभी इस विलेज से हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं. द हामटा पास ट्रेक स्टार्ट्स फ्रॉम मनाली एंड मनाली से आप प्रीनी इस विलेज तक आके वहाँ से ट्रेक स्टार्ट कर सकते हो. बट वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाता है. सो इट्स बेटर टू टेक अ कैब विथ अ ग्रुप एंड सेथन इस विलेज के आगे तक कैब आपको छोड़ेंगी, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 किलोमीटर हो जाता है. एंड वहाँ से ट्रैक आप करते हो तो सेथन इस विलेज से हामटा पास ट्रैक के लिए आपको 1.5 डेज लग जाते हैं. एंड सेम फॉर द रिटर्न जर्नी. एंड जो डिस्टेंस इस ट्रैक के दौरान होता है वो अप्रॉक्स 12 किलोमीटर टू हामटा पास ट्रैक. सो यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते रहते हैं. सो करंटली इन फ्रंट ऑफ मी देर इज़ वन टूरिस्ट हु मे फ्रॉम फॉरेन. एंड यहाँ के ऐसे ब्यूटीफुल समर के दिनों में घर जो कि काफ़ी ग्रीनरी से भरे हुए रहते हैं. एंड ये एप्पल के फार्म्स जो आपको हिमाचल में बहुत जगह मिलेंगे, जैसे कि अभी एप्पल का सीजन स्टार्ट हो चुका है. ऑलमोस्ट कुछ मंथ बाद एप्पल ग्रो कर जाएंगे. एंड यही है हमारे आगे के दो बंदे एंड ही इज वैभव एंड द वन एंड ओनली वन श्रेयस अय्यर. नॉट श्रेयस अय्यर बट श्रेयस फ्रॉम पुणे. मेरे कुछ पिछले ब्लॉग में वो आपको मेरे साथ ट्रेकिंग करते हुए दिख जाएगा. मयंक, Thank you.
थी, सो इट्स टाइम फॉर लंच. सो हमने वहाँ के लोकल नूडल्स चूज किए. एक्चुअली हमारा प्लान सेल्फ कुकिंग और सेल्फ कैंपिंग का था, इस वजह से सारे अरेंजमेंट हमने पहले ही कर लिए थे. I hear the Maggie in this beautiful weather. How beautiful all of this. And this is our guide, uncle. अभी हम खाएंगे यहाँ पर मैगी. During this trek between Prini to Sethan, you will get this kind of stays, and the stays called as igloo, which is very artificial. Friends, अभी हमें almost 4 hours हो चुके हैं ट्रेक करते हुए, and अभी हमें यहाँ से ऊपर हामटा पास बेस कैंप पर जाना है. हामटा ट्रेक बेस कैंप पर, जहाँ पर हम टेंट हमारा लगाएंगे. ऊपर तक जाने के लिए, सो काफ़ी डिफिकल्ट ट्रेक हो रही है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा हेवी लगेज हमने रखा है, क्योंकि हमारा प्लान है 2.5 डेज का स्टे करने का पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर आगे जाके नेटवर्क भी नहीं होगा. सो काफ़ी थ्रिलर एंड एडवेंचर जर्नी ये होने वाली है हमारी. The actual feel about peace and calm जो हर इंसान अपनी लाइफ में ढूंढता है, वो तो मुझे इन पहाड़ों में ही मिलता है. तो काफी समय ट्रेक करने के बाद अभी हमारा टाइम था टी का, और ये थके हुए चेहरे. After a long struggle, we have finally reached at Sethan Hill, जहाँ पर आप 5 घंटे हाइक करके पहुँच सकते हो. अगर आप व्हीकल से आओगे तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा. Because of we did adventure, that's why हमें ज़्यादा टाइम लगा. और यहाँ से अगर सबसे नीचे से हम अगर कंसिडर करें तो मनाली है. वहाँ से हमने ट्रेक करते करते यहाँ तक अपना पाथवे अचीव किया. And this is the Sethan village which we had covered after 5 to 6 hours from the Prini village. So friends, we are almost reached at our base camp, and we are so tired because of being a long journey from Delhi to Manali. But काफी मजा आया है अभी तक. काफी ऐसे hardest हाइकिंग हमने इस ट्रेक में एक्सपीरियंस की, एज वेल एज अच्छे से हमने गैस पर हमने हमारा खुद का कुकिंग किया. एंड पीछे अभी खुले मैदानों की तरफ हम अभी पहुंचने ही वाले हैं. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लैंडस्केप विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग दिस ट्रेक. द लैंडस्केप विच इज कवर्ड विद लॉट ऑफ ग्रास एंड द ह्यूज माउंटेन विच हैज मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स. और इस ट्रेक के दौरान आपको ये हाइड्रोपावर प्लांट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बियास इस रिवर के ट्रिब्यूटरी पर बना है. This is our second day to Hampta Pass trek, और हमने रात को यही स्टे किया था. एंड दिस इज अवर कैंपिंग साइट. मॉर्निंग टाइम है, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, और ये सुंदर बाहर का नज़ारा इवनिंग के टाइम से बहुत ज़्यादा बेटर है. और ये हमारा 3 पीपल वाला टेंट, और ये 2 पीपल वाला टेंट. कल रात का खाना खाया, इतने सारे कीड़े थे, इस वजह से हमने खाना वैसे के वैसे रख दिया और जिप लगा दी जल्दी से.
Hey, hi, good morning friends from our base camp Hampta Pass. So, अभी हम अपने next journey पर मतलब Hampta Pass जाने के लिए निकले हैं और यहाँ से approx 7 to 8 किलोमीटर distance Hampta Pass का दिखा रहा है और देखते हैं कि कैसे आगे जाके views मिलते हैं. फिलहाल तो ये ग्रीनरी से भरे हुए व्यूज को एंजॉय करने में बहुत मजा आ रहा है. सो लेट्स कंटिन्यू गाइस. दिस इज द ब्यूटीफुल पैच इन बिटवीन दिस ट्रेक. काफी मजा आता है हिमाचल में ट्रेक करने में, बट अगर सामान ऐसे भारी भारी हो ना, सेल्फ ट्रेकिंग, सेल्फ फूड कुकिंग, सो डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो अभी तक आपने देखा कि हमने कैसे कैंप सेंट किए थे, उसके बाद हमने कैसे खाना बनाया था. सो नाउ हमें आज वो चीज़ रात को फिर से करनी है. सो यही एक डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल है जिसे हमें यहाँ पर थोड़ा निगलेक्ट करना पड़ता है. अदरवाइज ऑल थिंग आर रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. जैसे जैसे हम इस ट्रेक में आगे जाते हैं, वैसे वैसे लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज होते जाता है. और उसी में से एक पर्टिकुलर जो लैंडस्केप मुझे इस जगह देखने को मिला, उसे देख के काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसे ह्यूज माउंटेंस एंड उसके बीच में से रिवर फ्लो हो रही है और वहाँ से ही हम ट्रेक कर रहे हैं. इट वॉज रियली इनक्रेडिबल. हमने अभी जस्ट यहाँ पर Hampta Pass के स्टार्टिंग पॉइंट की सीनरी शूट की है एंड यहाँ पर ब्यूटीफुल ऐसे छोटे छोटे रॉक्स से एंड उसके बीच में से ऐसे छोटे छोटे कैनल्स एंड एज वेल एज रिवर फ्लो हो रही है एंड जो कि कनेक्टेड है Hampta Pass से. यहाँ से ऐसे ऐसे हम अभी आगे जाने वाले हैं. काफ़ी सुहाना ऐसा मौसम बन चुका है, धूप भी नहीं और ज़्यादा ठंड भी नहीं. सो एंजॉइंग अलॉट हियर. This is the first view of this tributary river to Bias, and this river is so beautiful, as well as some part of this river is thriller as well because of this flow. और जब आप first time इस पानी से फेस बाथ लेते हो, तब तो उस ठंडे पानी की जो feeling होती है, वो तो आपको अलग ही feeling दे जाती है. अभी हम बहुत पास आ चुके हैं Hampta Pass के. यहाँ से चिका एक प्लेस है जहाँ पर हमें जाना है, जो आपको पीछे स्नो वाली जो हिल दिख रही है ना, वहाँ पर अभी हमें जाना है. हमें सबको साथ में लेके जाना है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज लगेज हेवी है. सो धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं. अभी दोपहर के 12 o'clock हो चुके हैं और हमने स्टार्ट किया था ये ट्रैक 9:30 बजे से हमारे Hampta Pass की बेस कैंप से. अभी हमने Hampta Pass के लिए ट्रेक स्टार्ट कर ली है, जो एक यहाँ पर बेस कैंप था वहां से. अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है एंड या सॉरी दैट प्लेस इज चिका. एंड यहाँ से हम ऐसे इस झरने से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे एंड Hampta Pass यहाँ पर विजिट करेंगे. बस कुछ ही आवर्स बचे हैं Hampta Pass पहुँचने के लिए. Hampta Pass ट्रेक के दौरान आपको चिका कैंप साइट पर स्टे करने का मौका मिलता है, पर आपके पास हेवी लगेज होगा तो वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो, जैसे हमने किया. Beautiful valley, and in within this valley we are trekking, and really so peaceful. अगर आपको आपके tired life से या stress life से
कुछ दिनों का रिलैक्सेशन आपको अगर चाहिए ना तो जरूर यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो रिफ्रेशमेंट के लिए वो करके ना अपने लाइफ में एक अलग सा सुकून, एक अलग सा टर्नओवर ला सकते हो. बिकॉज आई रियलाइज आई ट्रेक मेनी टाइम एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी ट्रेक, सो यू मस्ट ऑल्सो डू दिस सेम थिंग. चिका कैंप साइट से हमटा पास ट्रेक काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है, और यहाँ पर रिवर बहने के वजह से वहाँ से आपको धीरे धीरे चलना होता है, क्योंकि वहाँ पर गिरने से एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो चुकी है. फ्रेंड्स, जिस समय का हमें इंतज़ार था, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं. आप मेरे पीछे देख रहे हो ये ग्रास से भरे हुए ड्राई हिल्स, एंड साथ साथ यहाँ पर ये छोटे छोटे झरने, व्हाट वी कैन सी इट्स वाटर विद फॉल्स, बिकॉज अभी पीछे से वो सारे फॉल्स आपने देखे ही होंगे. एंड ये ब्यूटीफुल ऐसे लैंडस्केप, अगर हम इस पर्टिकुलर हिल को जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वी कैन सी माउंटेन, तो आप स्पीति वैली में एंटर करोगे और आप यहाँ से चंद्रताल लेक भी ट्रेक कर सकते हो. बट डू विथ गाइडेंस बिकॉज इट इज़ हार्ड विथ अ लॉट ऑफ लगेज, विथ हैवी लगेज. सो वी आर स्टेइंग इन चिका बेस कैंप, एंड वहाँ पर ही हमने हमारा सामान रखा है. सो हमटा पास वैली में आपको चार टाइप के ऐसे लैंडस्केप मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज हमटा पास स्नो वैली, सेकेंड वन दिस वन इज रॉकी वैली ऑफ कुल्लू, एंड दिस इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ कुल्लू वैली, दिस इज लाहौल स्पीति वैली, एंड एज आई सेड दिस इज द स्पीति वैली इफ यू क्रॉस दिस हमटा पास. हमटा पास इस ट्रेक की स्पेशलिटी ही है उसके लैंडस्केप. फर्स्ट ट्रीज, देन ग्रीन ग्रास एंड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड आगे जाके चेंज होता है कम्प्लीटली ड्राई इन चंद्रताल. जब मैं इस सीन को देखता हूँ ना तो मानो ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए ही बना था. एंड व्हेन आई रीच्ड एट दिस डिफरेंट लैंडस्केप द फीलिंग विच आई फेल्ट वॉज अनएक्सप्रेसिबल, रियली अनएक्सप्रेसिबल. सो फाइनली दिस इज अवर पीक पॉइंट वेयर वी रीच्ड, एंड दिस इज द हमटा पास. एंड यहाँ पर अभी स्नो है, स्नो के छोटे छोटे ग्लेशियर्स है, उसको हम अभी एंजॉय करेंगे. एंजॉय करने के बाद हम अभी हमारे बेस कैंप पर चले जाएंगे. दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हमटा पास, एंड सही में यहाँ का व्यू जो है ना वो काफ़ी अलग है. यहाँ पर ऐसे वैलीज के बीच में से हम दोनों और हमारे दो फ्रेंड्स भी बहुत ऊपर तक आए. उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबका वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्सक्लूडिंग मी, बट रियली इट वॉज अमेजिंग ट्रेक एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट इफ यू आर कमिंग हियर. बिकॉज ऑफ ड्रेन मोबाइल एज वेल एज कैमेरा मैं एग्जैक्ट हमटा पास ट्रेक का व्यू यहाँ पर दिखा नहीं पाया. सो दोस्तों, अभी जस्ट हमटा पास विजिट करने के बाद मैं खाना बना रहा हूँ, दाल चावल. एंड ये ट्रेक ना काफ़ी डिफिकल्ट रही बिकॉज जो बच्चे थे हमारे साथ वो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डाई हो सकते, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट थिंग, दे आर टेकिंग रेस्ट. एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर डोम की बात करूँ तो ये लोकलाइट का है, यहाँ पर आप 300 पर रुपीस दे के स्टे कर सकते हो, जहाँ पर आपको इस तरह मैट मिल जाएगी और साथ साथ खाना आपको 150 रुपये में मिल जाएगा. और इस विलेज का नाम आपको नीचे स्क्रीन पर दिख जाएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ से हमटा पास के लिए 8 किलोमीटर ट्रेक कर सकते हो. अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलते हो तो शाम तक आप 8 बजे तक पहुँच सकते हो. सो यही डोम के अंकल हैं. सो इस कैंप एरिया का नाम है चिका, जहाँ पर आपको अभी मैंने इंट्रोड्यूस कराया. एंड यहाँ से पीछे से आप अगर सुबह मॉर्निंग में ट्रेक स्टार्ट करते हो तो नाइट तक आ सकते हो, इवनिंग तक मोस्टली प्रोबेबली टू हमटा पास. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रेक टू हमटा पास, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज.
ये यहाँ पर नेचुरल हर्ब है जो कि ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम गंगोत्री एंड आज मैं करने वाला हूँ गोमुख ट्रेक जो कि इस घने गंगोत्री के नेशनल पार्क से होती है। और फिलहाल हमने अपना रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन किया था वो दिखा दिया। आप उत्तरकाशी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जिसकी कॉस्ट 150 है एंड यहाँ पर आप ऑफलाइन ऑफिस से भी कर सकते हो। पर कैंडिडेट कॉस्ट 150 रुपीज़ आती है एंड अगर आपको प्लास्टिक बैग कैरी करने हैं तो 200 रुपीज़ डिपॉजिट देने पड़ते हैं जो आपको बाद में रिटर्न होते हैं। फिलहाल यहाँ से दूरी 4-5 घंटे की है जो कि मैं इस बैग के साथ अपने ट्रेकिंग बैग के साथ पूरे करने वाला हूँ जिसमें मेरा टेंट है और गर्मी का सामान है। ये ट्रेक आप कंफर्टेबली 2 दिन में पूरी कर सकते हो। एंड गोमुख इस ट्रेक की शुरुआत होती है गंगोत्री इस विलेज से जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो गंगोत्री टू गोमुख ट्रेक का डिस्टेंस 18 किलोमीटर होता है जो कि कम्प्लीटली वॉकिंग है। गोमुख ये ट्रेक गंगोत्री नेशनल पार्क में होने के वजह से यहाँ पर डेली 150 टूरिस्ट ही अलाउड है। ये ट्रेक हमने जून मंथ के मिड में किया था जो कि मानसून का अराइवल टाइम होता है। सो इस वजह से ये खौफनाक बहते हुए गंगा नदी के साथ हमें ट्रेक करते हुए थोड़ी बहुत तो दिक्कत गई। दोस्तों अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेक कर लिया है और अभी हम जस्ट 15 मिनट्स अवे है चिरवासा बेस कैंप से। चिरवासा कैंप पर हम आज अभी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद और 4 किलोमीटर आगे भुजवासा कैंप आता है एंड वहां से 4-5 किलोमीटर हमें ट्रेक करना है गोमुख के लिए। वेदर रेनी बन चुका है, बहुत डार्क क्लाउड है, काफ़ी ऐसा थ्रिलर मौसम बन चुका है। इफ यू कैन सी बिहाइंड मी दिस इज़ द थ्रिलर वेदर एंड रियली आई एम एंजॉइंग हियर एंड नॉट ओनली एंजॉइंग बट ऑल्सो फीलिंग द पीस एंड द स्पिरिचुअलिटी विच इज डेडिकेटेड टू द गंगा रिवर विच इज कॉल्ड एज भागीरथी एज वेल। गंगोत्री ये ट्रेक मॉडरेट लेवल में कैलकुलेट होता है जिसके वजह से जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए लोकल लोग किचर प्रोवाइड करके देते हैं। दोस्तों अभी आधे से ज़्यादा ट्रेक हो चुका है, लगभग हमने 4 आवर्स ट्रेक कर लिए और यहाँ से ना काफ़ी ऐसे घने बादल आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों से ही चल रहे हैं। और यहाँ पर ये भागीरथी मतलब गंगा रिवर जो कि यहाँ से पीछे से बहते हुए गंगोत्री से आगे आगे जाती है। इस ट्रेक के दौरान गंगा नदी के साथ साथ ये छोटे छोटे झरने आपको देखने को मिलते हैं जिसका नज़ारा काफ़ी सुंदर एंड मनमोहक होता है। ट्रेक के दौरान हमारा फर्स्ट जो कैंप आया था वो था चिड़वासा जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया एंड वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड हो जाता है। एंड अभी वहाँ से निकलते हुए हमें बारिश लग गई थी और उस बीच में ये पहाड़ों में से बादल बहते हुए और ऊपर से रिमझिम बारिश होती हुई एक अलग सा एहसास दे जाती थी। सो फ्रेंड्स इस रिमझिम भरे बारिश में चलते हुए यहाँ के ट्रेक का मज़ा ले रहे हैं हम एंड यहाँ पर पीछे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं एंड माउंटेन्स है एज वेल। यहाँ पर भी माउंटेन है शिवलिंग जो कि आपको गोमुख के तरफ जाते हुए एक बहुत अच्छा ट्रायंगुलर माउंटेन दिखेगा जो अभी इनविजिबल है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। बट इस ट्रेक को करते हुए हमने
ऑलमोस्ट 6 आवर्स बिता दिए. हाँ, क्योंकि 11 o'clock से हमने स्टार्ट किया था, अभी ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो चुके हैं बिकॉज 5 o'clock हो चुके हैं. अभी हम हमारे एक छोटे से लास्ट बेस कैंप पर पहुँचने वाले हैं, जिसका नाम है भुजवासा, ऐसा कुछ नाम है उस कैंप का. वहाँ पर हम जाएंगे और रात को स्टे करेंगे, एंड वहाँ से गोमुख ग्लेशियर लगभग 4.7 किलोमीटर है. सो इस कंडीशन में अभी ट्रेकिंग कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा सीन्स तो विजिट नहीं हो पा रहे, बट टुमारो वी विल सी वेदर वी विल गेट अ बेटर पिक्चर्स और नॉट. So friends, at last we are near to our campsite, and अभी तो फिलहाल यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो यहाँ पर almost 8 to 8:30 PM को darkness हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, and this is the beautiful mountain which is covered in these clouds, in this fog, looking really beautiful, like feeling like I'm in heaven, really. But seriously, it is also dangerous somehow, because before some time back वहाँ पर थोड़ा बहुत stone falling हो रहा था, इस वजह से हमें थोड़ा मतलब डर लगा, because almost इस time तक सारे tourist कैंप तक चले जाते हैं, जहाँ रहना है वहाँ चले जाते हैं, बट वी आर गेटिंग लेट बिकॉज वी हैव ह्यूज बैग्स विच वी आर कैरिंग बिकॉज ऑफ अवर सेल्फ टेंट. सो अभी हम अपना टेंट प्लॉट करेंगे एंड उसके बाद बात करेंगे. बाय बाय. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम भुजवासा, द कैंप बिफोर द गोमुख ट्रेक. सो आज मौसम खुल चुका है, काफ़ी ऐसा सुहाना मौसम है, एज वेल एज ये सनलाइट की वजह से जो पीछे के ग्लेशियर्स है ना, वो काफ़ी चमक रहे हैं सिल्वर की तरह. एंड पीछे जो आप चोटी देख पा रहे हो, वहाँ से गोमुख ट्रेक हमारा ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का स्टार्ट होता है, एंड काफ़ी ऐसे स्नोवी मोमेंट वहाँ पर हमें मिलेंगे विथ ग्लेशियर्स एंड विथ माउंटेन. एंड अबाउट आवर नाइट इट वॉज रेनी, सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट दी आश्रम. यहाँ पर एक आश्रम है जहाँ पर आप 400 रुपीज़ में खाना, वन टाइम खाना एज वेल एज वन नाइट स्टे कर सकते हो. काफ़ी ऐसे गर्म आपको रजाई मिल जाएंगी वहाँ पर सोने के लिए. सो अभी हम 7:30 बजे से हमारा ट्रिक शुरुआत करेंगे, एंड उसके बाद कोशिश करेंगे कि 11-12 बजे तक फिनिश करने का. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा रेनी हो गया था, एंड साथ साथ ड्रिजल्स हो रहे थे. अभी यहाँ पर वेदर स्टेशन ना होने के कारण छोटा सा इन्होंने एक अपना बेसिक लोकल वेदर स्टेशन बनाया है, जहाँ से ये फॉरकास्ट कर सकते कि रेन होगी या स्नो होगा. दोस्तों अभी 8:15 बज चुके हैं और हमें गोमुख जाने के लिए यहाँ पर इस रिवर को क्रॉस करना है. जैसे यहाँ पर 2 वेज आते हैं गोमुख तक पहुँचने के लिए, एक तो रिवर को क्रॉस करके जाओ जहाँ पर आप गोमुख के क्लोजेस्ट जा सकते हो जहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और दूसरा भी वे है जहाँ से आप ये डोम के पीछे से, वाइट डोम के पीछे से चल के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इधर ऊपर जा सकते हो जहाँ पर आप वाइट वाइट स्नो देख पा रहे हो. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ पर एक ऐसा झूला है जिसको क्रॉस करके हमें जाना था, बट वहाँ पर तपोवन ट्रेक के लिए परमिशन है. उस वजह से तपोवन ट्रेक जो कि यहाँ से गोमुख से आगे है, ऊपर है, वहाँ पर जा सकते हैं. फिलहाल तो मैं गोमुख के पेपर निकला हूँ. अभी यहाँ से आगे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सो इट्स बेटर टू टेक दी नेचुरल हर्ब. ये यहाँ पर नेचुरल हर्ब है जो कि ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है, एंड ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, सो आप इसको साथ में रख सकते हो होल ट्रेक में, बिकॉज ये हेल्प करता है आपको आगे के ऑब्स्टेकल्स में जब आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो. Thank you.
जैसे आप आगे भोजवास से ट्रिक स्टार्ट करोगे तो ऐसे रॉकी वे से आपको चलना है, सिमिलर टू दिस वे. एंड द गुड थिंग इज दैट वेरी ब्राइट मॉर्निंग ऑन दिस डे. After a continuous walk, there should have been small drink. Actually, inside this bottle, I have apple juice. So I'm drinking the apple juice and getting some energy back. यहाँ से लगभग एक घंटा बचा है, कर लेंगे ट्रिक. एंड उसके बाद 1 PM को, मतलब दोपहर के 1 बजे, हमें फिर से भोजवास कैम्प जहाँ पर मैंने अपना लगेज रखा है वहाँ से कलेक्ट करके ऑलमोस्ट डे के एंड तक, मतलब 7 to 8 PM तक पहुंचना है हमें गंगोत्री. सो फाइनली इस समय हम आ चुके थे गोमुख क्षेत्र में, जहां से ग्लेशियर पिघल पिघल के पीछे जा चुका है, और जो गोमुख पॉइंट था वहां पर हमने जाने की कोशिश की, बट लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां का पाथ प्रॉपर नहीं था, तो इस वजह से यही थी गंगा नदी और यही था गोमुख. सो फ्रेंड्स, आई फाइनली टच डाउन टू गोमुख एरिया which is so wide. And अभी मैं आगे जा रहा था but वहाँ से थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है तो रोड बंद हो चुका है. जैसे मैं जिप लाइन कह रहा था तो उस साइड से हो सकता था कि मैं ग्लेशियर तक पहुँचूँ, बट यहाँ पर जो सीनरी है ना उसको विजिट करके लगता है कि मैं सही में एक ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में आ चुका हूँ, वहाँ पर गंगा का वास्तव है. एंड ये पीछे आप शिवलिंग देख पा रहे हो जो कि यहाँ पर फेमस प्लेस है, एंड इट वुड बी मोर देन 6,000 meters अबव सी लेवल. एंड इवन इफ वी आर अनेबल टू कम्प्लीट दिस गोमुख ट्रेक, स्टिल इट्स सो ब्यूटिफुल आउट हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द गंगोत्री टिल दिस गोमुख ग्लेशियर. तो यहाँ तक था हमारा गंगोत्री गोमुख इस ट्रेक का सफर. I hope you have enjoyed as well as learned something from this journey of Gangotri. And agar aapko aage bhi videos dekhne hain, so please subscribe, like as well as share this video. So thank you for watching. न्यू वीडियो. अभी तक आपने मेरे कुछ म्यूजिक के वीडियो देखे, हो सकता है आपने एंजॉय किए या ना, बट मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा नया पेश करने वाला हूँ जो आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में देख के मजा आने वाला है. सो क्या है वो? यहाँ पर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है, दैट नेम इज मोहुरली. एंड यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नेचुरल सीनारियो देखे जिसको देख के आपको मजा आने वाला है. सो इस सीनारियो को एंजॉय करना है तो मेरे साथ 5 मिनट की छोटे से वीडियो में बने रहिए. This beautiful journey starts from this village. This village is nearby Mohurli. जब हम चंद्रपुर से यहाँ तक आए थे तो हमने एक रिजर्वर देखा जिसका नाम है इरे. इरे रिजर्वर इज मोस्ट फेमस रिजर्वर इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. मंजिलें तो पता ना थी पर कोशिश थी इस राह पर चलता रहो, इन हवाओं को छूता चलो, इस हरियाली को महसूस करो. फ्रेंड्स, ट्रूली स्पीकिंग, कभी उन शहरों के भागदौड़ वाले जीवन से यहाँ आके देखो, इस हरियाली को कभी छू के देखो, इन हवाओं को कभी महसूस करो. When we explore this beautiful wildlife, that time we feel very relaxed and feel like big positive wave out here. Jab
आप इस मोहरली छोटे से टाउन में आओगे तो यहाँ से ताड़ोबा कोर जोन की एंट्री होती है। एंड अगर आपको ताड़ोबा में जब सीजन चालू होगा तब आपको घूमना है सो ये है उसके कुछ व्हीकल जहाँ पर आप पर्सनली इंडिविजुअल लेके 300-400 के चार्जेस में इससे ट्रैवल कर सकते हो एंड इससे ताड़ोबा कोर जोन आप घूम सकते हो। गाइस आप मेरे पीछे देख पा रहे हो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ ताड़ोबा कोर जोन एंड यहाँ पर आप जब एंटर करते हो तो कुछ समय पहले जो मैंने आपको व्हीकल दिखाई थी उसमें आप इंडिविजुअली एंड ऑल्सो विद जिप्सी बाय द परमिशन थ्रू परमिशन आप यहाँ पर अंदर ट्रैवल कर सकते हो। बट यू हैव टू कम टू विजिट दिस ताड़ोबा इन बिटवीन अक्टूबर टू जून। Before entering into the Tadoba Core Zone, you can enjoy here with your friends, family and kids, like in a garden and also to watch this beautiful view. You can stay in this beautiful resort. The name is PUBG Mart Jungle, PUBG game ke wajah se yahan par main PUBG bol raha hu, zyada trending pe chal raha tha na. This is beautiful tiger model, jo aap Tadoba gate ke samne dekh sakte ho. Aur jo ye greenery hai, वो है उसके पास वाले एक रिजॉर्ट की जहाँ पर आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो एंड ऑल्सो ऐसे बर्ड्स को भी देख सकते हो। एंड वहाँ का एक सबसे बेस्ट व्यू ये भी हो सकता है जैसे एलिफेंट आपने देखा तो होगा टीवी में बट यहाँ पर आप रियलिटी में भी देख सकते हो जो कि पालतू है। As I discussed before, this is Devada buffer zone. This buffer zone is located on the way between Chandrapur to Mohurli. Last time jab main yahan par travel karne aaya tha, to maine Tadoba safari gypsy se isi buffer zone mein ki thi. And this is timetable and amount to pay for this buffer zone tour. And most of the time jab aap travel karte hain, to yahan par tiger dikh hi jata hai. किंग ऑफ जंगल टाइगर ताड़ोबा टाइगर और इसी पल को एंजॉय करने के लिए देखने के लिए टूरिस्ट इंडिया और होल फॉरेन से इस ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में आते हैं। कहते भी है अगर आपको टाइगर को देखना है सो यू कैन विजिट इन ताड़ोबा टाइगर रिजर्व। ऑल्सो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई वर्ल्ड in between the same route which is famous for various butterflies in season and you will enjoy here with your kids. जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे हमारी भी जर्नी खत्म होने लगी पर एक खूबसूरत सनसेट देख के दिल को एक सुकून मिला। Hope you guys enjoy this video vlog and next time मैं कुछ ऐसे views and ऐसे कुछ location लेके आऊंगा जो इससे भी आपको कुछ मजा देगा एंड कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो आपको कुछ लर्निंग्स भी देगा। मे बी दिस इज माय प्रमोशनल वीडियो फॉर माय अपकमिंग वीडियोस बट गाइस मैं आपको एंजॉय तो कराऊंगा एंड साथ साथ कुछ ऐसे नए स्टफ लेके आऊंगा। टिल देन स्टे विद अस फॉर मोर वीडियोस। And this is my first video of 2021 and this video is all about the trek to the Harihar Fort. This fort is located to Trambakeshwar which is near to Nashik. The trek was so thriller and also quite exciting. So let's enjoy the beautiful trek with me. सेकंड डे मेरे ट्रिक का जैसे यस्टरडे मैंने सिंहगढ़ पर ट्रेक किया था
and this is the different trek and from the different place, that is from Nashik, and the name is Harihar Fort Nashik. It is near to Trambakeshwar and the view behind and the culture is so different than the Siyagar, because wahan par farms wagare ke beech mein hame jana nahi tha, wahan par directly rasta tha, and this time yahan par hum farms mein se धीरे धीरे आगे जा रहे हैं. स्टार्टिंग पॉइंट सो इट इज क्वाइट हार्ड ट्रिक बिकॉज यस्टरडे मैंने सिंहगढ़ की 22 किलोमीटर की ट्रिक वाया वॉक की थी. सो इट वॉज वेरी एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई एम फेसिंग द सेम एक्सपीरियंस हियर ऑल्सो बिकॉज ऑलरेडी my legs are stuck because of yesterday trek and here also I am doing the same thing. I don't know mujhe kya hua hai but aise lag raha hai ki nature jo mera sabse close friend hai and usko main hasil karne ke liye kuch bhi kar sakta hu. So let's continue with me. So Harihar Fort ke raste mein hi aapko Nagfani parvat milega jahan par aap ja sakte ho. So this is extremity, extreme difficulty level of hiking, trekking. I didn't expect it that this would be the way to reach at the Harihar Fort, but yahi hai abhi. Adventure ki baat karte to isse zyada adventure kya ki aap consistently day par do do trek kar rahe ho and wo bhi aise trek jo ki unbelievable like for the new trekker. But this is the rehearsal of big trek, means for big challenge. जैसे ही हम अपनी आधी जर्नी इस हरियर फोर्ट के लिए चल के क्रॉस करते हैं तो वहाँ से एक सुंदर और एक थ्रिलर एक्साइटमेंट भरा रास्ता हमारा शुरू होता है. This is my heavy luggage and me on this beautiful and also dangerous trek. मैं जिस थ्रिलर जर्नी की आपके साथ बात कर रहा था तो वो यही है. जब हम स्ट्रेट 80 डिग्री वर्टिकल जब ट्रेक करते हैं एंड वहां से जो सुंदर नजारा हम फील करते हैं ना दोस्तों, तो उसका मजा ही कुछ और है. And this is the hardest point of trek on Harihar Fort. And ये trek hard तो रहती है बट जो आसानी की बात आती है ना, तो दोस्तों स्पेशली सैटरडे और संडे को ट्रैवल करना जहाँ पर आपको कई लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे. And this is the peak of this Harihar Fort where you can go, and I'm also going.
सो दिस इज द एंड ऑफ आवर जर्नी, जहाँ पर आप टॉप से जो नज़ारा फील करोगे ना दोस्तों, वो कभी भूल नहीं पाओगे, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स हु आर विजिटिंग हियर। ओ माय गॉड, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, मतलब मराठा के समय में, वहाँ पर जो फोर्ट पर लोग रहते थे, तो उन्होंने कुछ वाटर सेविंग प्रोजेक्ट्स किए थे, उन्हीं में से एक जो आप देख पा रहे हो, और इसी तरह एक छोटा सा वाटर रिजर्व जो कि इतनी ऊंचाई पर उन लोगों को मदद करता था। सो आखिरकार जिस समय का इंतज़ार था वो समय आ गया था, एंड दोस्तों हम जब टॉप पर चढ़ने लगे तो वहाँ का नज़ारा जो आप अभी फील करोगे। So at last we reached at the Harihar Fort peak and यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बने जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पर एंजॉय कर पाया, उनके सपोर्ट से अभी ये अच्छा ब्लॉग बन गया। सो थैंक यू गाइज, एंड दिस इज द व्यू आई विल नेवर फॉरगेट बिकॉज द ट्रेक वॉज सो अमेजिंग एज वेल एज एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। सो बी विथ मी फॉर माई मोर अपकमिंग वीडियोज। शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। सो इसी तरह मैं इस साल में कुछ ऐसे ट्रैवल वीडियोस जो स्पेशली फोर्ट से रिलेटेड होंगे वो लेके आऊंगा एंड आपको एंटरटेनमेंट जरूर दूंगा। सो बी विथ मी फॉर मोर वीडियोस। जैसे विंटर की सीजन में यहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे स्टीफ स्लोप से हमें अभी आना पड़ा। Hey, welcome back to new adventurous video on Hatu Peak trek near Narkanda village in Shimla district. Hey, good morning friends from Narkanda. और आज मैं यहाँ पर Hatu Peak, जो कि Narkanda में famous है, वहाँ पर trek करने जा रहा हूँ। इस जर्नी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दे जाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। द बेस विलेज ऑफ Hatu Peak ट्रेक इज Narkanda एंड वहां तक आने के लिए आपको शिमला से बस से 3 आवर्स लग जाएंगे, जिसका डिस्टेंस है 75 एंड फेयर इज अबाउट 90 to 120 रुपीज। फ्रेंड्स, करंटली वी आर एट सम पॉइंट टुवर्ड्स Hatu Peak एंड अभी मैं यहाँ से जस्ट ऊपर आया हूँ, काफ़ी स्टीफ क्लाइम थी। सो दोस्तों, यहाँ से काफ़ी ट्रेक बचा है जिसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपको पता ही पाए इसके ट्रेक में से ट्रेकिंग जो कि हिमाचल में, अभी जस्ट हमने लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर अगर रोड वे से सोचे तो कवर कर लिया है, बट अभी डिस्टेंस बचाने के लिए स्टीफ क्लाइंबिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब यहाँ विंटर का सीजन होता है ना, तो ये जो पीछे रोड है ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, बिकॉज इतना नैरो रोड है ये। गाड़ी की वजह से एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आया दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था कि काफ़ी नैरो रोड होता है, तो इसी वजह से विंटर की सीजन में यहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज कीड़ी बन जाते हैं, तो इस वजह से कोई व्हीकल आ नहीं पाती है। सो मोस्टली वॉकिंग से ही ट्रैवल करना पड़ता है। द बेस्ट टाइम टू डू दिस ट्रिप इज बिटवीन मंथ ऑफ मार्च टू जून। फ्रेंड्स, यहाँ से अभी नीचे से आपको रोड दिखेगा, बट जहाँ से मैं जा रहा हूँ वो है इसी वे से ऊपर ऊपर, एंड यहाँ से हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बचा लेते हैं, क्योंकि जो रोड का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है करंटली द पॉइंट वेयर आई एम एट। आफ्टर सम टाइम्स इन बिटवीन दिस ट्रेक आपको ये कलरफुल फ्लावर्स और ये ग्रीन एप्पल के फार्म्स दूर दूर तक देखने को मिलेंगे, साथ साथ ये सुंदर नज़ारा।
This beautiful nature surrounded with green pines tree with blue sky. दोस्तों अभी हमने हाफ से ज्यादा ट्रिक कंप्लीट कर ली है, कुछ जगह रेस्ट लेते हुए बिकॉज यहाँ पर स्टिफनेस ज्यादा है और हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, इस वजह से ओवर टाइम लग रहा है। एंड अच्छा है कि ये समर का टाइम है, नहीं तो और ज्यादा मुश्किल होती है ट्रिक करने में बिकॉज ब्रीदिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट सीरियसली एंजॉइंग अलॉट हियर। आपको इस ट्रेक में हरे भरे मैदानों में से ट्रेकिंग करने को मिलेगा जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। इस ट्रेक के दौरान लगभग 1.5 घंटे गुजारने के बाद हमने यहाँ पर रेस्ट किया और यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था कि यहाँ पर हमने काफ़ी फोटोज़ लिए, काफ़ी वीडियोस बनाए। एंड दिस आर द स्मॉल ट्रेल्स इन बिटवीन दिस ट्रेक। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसा एक सीन हमें मिल चुका है जहाँ पर नीचे ग्रीन ग्राउंड है एंड ये पाइन्स की ट्री, साथ साथ ब्लू स्काई। अभी थोड़ा आपको फॉगी दिख रहा है बट कैमरास ब्राइटनेस की वजह से बहुत सारा चेंज हो रहा है और मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीफ क्लाइंबिंग करते आया हूँ, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। बोलते तो ये बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेक है, हाँ है भी, बट इसमें जो सीन्स हमें मिलते हैं ना वो काफ़ी एक अलग सा सुकून दे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं समझ रहा था कि हमारी ट्रेक 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी बट अभी तक ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं, फिर से 1 आवर बाकी है और हम काफ़ी तेज़ कर रहे हैं ये ट्रेक, तो इस वजह से जल्दी पहुँच रहे हैं। So if suppose you are coming here via trek, so early morning नारकंडा से निकल जाओ ताकि आप इवनिंग तक अगर रिटर्न आने का सोच रहे हो तो हो सके, अदरवाइज इट्स हार्ड टू कम एट इवनिंग बिकॉज यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है। So finally we are near to Hatu Peak। यहाँ पर only 1 vehicle track है या road है, इस वजह से काफ़ी गर्दी हो जाती है। सो इसी रोड से फाइनली आपको यहाँ से आना होता है एंड दिस इज़ दी कुलावर वैली जो कि यहाँ के लोकलाइट ने मुझे बताया। जैसे कि अभी समर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, स्टिल यहाँ पर पीछे स्नो है बट वो जमा हुआ है। सो दोस्तों, मैं इस ट्रेक को थोड़ा इजी समझ रहा था, अगर रोड के हिसाब से देखें तो 6 किलोमीटर था बट हमने वो डिस्टेंस बचाने के लिए इस ट्रेक को शॉर्ट कर दिया, पर शॉर्ट करने के बहाने ऐसे स्टीप स्लोप से हमें अभी आना पड़ा। सो अभी जस्ट एक कर्व बच चुका है रोड का जो कि इसके ऊपर है एंड उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हाटू पीक। फ्रेंड्स, जिस मंजिल के लिए हमने इस सफर का मजा लिया वो था हाटू पीक जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, एज वेल एज यहाँ से उसकी एंट्री स्टार्ट होगी। सो हम अभी तक यहाँ से 4 आवर्स से ट्रेक कर रहे हैं। इस पीक पर हाटू माता टेम्पल होने के कारण यहाँ का नाम हाटू पीक इस तरह पड़ा और इस पर्टिकुलर पीक पर काफ़ी ऐसे सुंदर नज़ारे हैं जो कि आप टॉप व्यू से एंजॉय कर पाओगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसम्बर टू फेब हाटू पीक पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है और ये टेम्पल काफ़ी ऊंचाई पर, मतलब 3,400 मीटर इस हाइट पर होने के कारण समर में भी काफ़ी ठंडी होती है। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल सीनरी विच यू कैन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ हाटू पीक। और लगभग 5 आवर्स हाटू पीक ट्रेक करने के बाद और वहाँ की सीनरी एंजॉय करने के बाद हम तानी जुबार लेक यहाँ पर गए जो कि हाटू पीक से 10 किलोमीटर अवे है।
इस लेक की स्पेशलिटी ऐसी है कि ये आर्टिफिशियल लेक है, फिर भी इतना सुंदर है, ऐसे लगता है इवनिंग के टाइम में देखते रहे। और यहाँ तक था हाटू पीक इस ट्रेक का सफर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। In this Himalayan journey, when I found this amazing colorful nature and this incredible mountain which I have seen in Kinnaur Kailash. Capturing this snowy Kinnaur Kailash valley as well as these flowers which had given peace to my eyes. And this was the amazing experience when I was hearing the voice of the surrounding. And addition to it, playing with this dog. And what I always passionate for is something adventurous, which I have also felt here in this valley of Kinnaur. This was my something called as adventurous part of this journey which I did here, and I was really happy to have this journey. Thanks for watching this video and please follow this IDs for more. In your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Probably you should go via bus or private vehicle, that is most preferable in this time. Kalsubai trek start hoti hai Bari village se, jo ki Ahmednagar district mein hai. Aur yahan tak pahunchne ke liye aap Sangam Nehar se bhi aa sakte ho ya aap Igatpuri se bhi aa sakte ho, jo ki is village tak aane ke liye easiest way hai. इस ट्रेक के शुरुआत में आपको ये खेत देखने को मिलेंगे जहाँ से ठंडी हवा गुजरती रहती है और वहाँ से जर्नी शुरू करने में काफ़ी मज़ा आता है। इस ट्रेक को शुरू करने से पहले अपने बैग पैक कर लो विथ फुल ऑफ फूड एंड ऑल्सो वाटर, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी।
फ्रेंड्स वेलकम बैक. मैं आज यहाँ पर कलसुबाई ट्रेक पर हूँ एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र. आफ्टर 3 वीक्स आई एम डूइंग अ ट्रेक एंड व्हेन एवर आई डू द ट्रेक जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत ऑसम रहता है एंड यही एक्सपीरियंस मैं हर वीकेंड को फील करने का सोचता हूँ. दोस्तों इस जर्नी के दौरान लगता था इस राह पर चलता रहूं और इस ठंडी हवाओं को छूता चलूं. बस यही ख्वाहिश थी उस पल की. इस जर्नी के दौरान आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे जिसे आप अपने खुशियों के पिटारों में हमेशा के लिए कैद कर सकते हो. सो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट हाफ ट्रिक कंप्लीट कर चुकी है एंड यहाँ पर कलसुबाई जैसे आपको मैंने बताया था हाईएस्ट पीक है तो थोड़ी बहुत तो थकावट महसूस होती है बट जो एयर की कूलनेस यहाँ पर महसूस होती है ना उसे फिल करके जो टायर्डनेस जो थन होती है ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड वही एक्साइटमेंट लाती है हमारे आगे के ट्रेक के लिए. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जर्नी और डिफिकल्ट होने लगेंगी पर कुछ ऐसे मोमेंट्स कुछ ऐसे नज़ारे रहेंगे जो कभी हमें उस थकावट को महसूस नहीं होने देंगे जो कि मैं हर जर्नी में आपको बताते रहता हूँ. इस ट्रेकिंग के दौरान हमने कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट किए जो कि एक थ्रिलर एक्सपीरियंस देते हैं एंड वही एक्सपीरियंस हमें ऐसे ट्रेकिंग में और मोटिवेट करते हैं अपने लाइफ में एक इंस्पिरेशन हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं. आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये ब्यूटीफुल सीन्स जो कि कलसुबाई के जस्ट क्लोज से दिख रहा है एंड हम कुछ ही मीटर मतलब 200 मीटर क्लोज कलसुबाई से एंड यहाँ का व्यू ना दोस्तों आप जब आओगे ना तब आपको रियल मजा आएगा. फ्रेंड्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ दिस कलसुबाई ट्रेक एंड मेरे पीछे आप देख पा रहे हो वो है हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कलसुबाई ट्रेक एंड वहां पर हम अभी जा रहे हैं. जब मंजिल और करीब आने लगती है और हमारा एक्साइटमेंट लेवल ऊपर जाने लगता है तब हमारी एनर्जी डबल हो जाती है और उस एनर्जी में हम अपनी बियॉन्ड कैपेबिलिटीज पर पहुंचते हैं. सो गाइस एक्साइटमेंट लेवल फिर से बढ़ रहा है बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे जो हाइट है ना कलसुबाई की वो देख के फील अमेजिंग. और ये था हमारे ट्रेक का आखिर का सफर द एंड ऑफ जर्नी टू दिस ट्रेक. ये गहरी और हसीन वादियाँ और इस वादियों पर चलती हुई ठंडी हवा. So friends, at last this experience was very awesome and also thrilling because this was the highest peak in Maharashtra and आपका experience में दोस्तों आपके family के साथ या किसी friend के साथ आओगे ना तो amazing लगेगा. Also हमने यहाँ पर शिवाजी महाराज की feeling लाने के लिए ये flag भी arrange किया and I was saying you must visit this place and you can enjoy everything like the nature and also the beauty. ख्वाहिश यही है बस चलती रहे ये जिंदगी ना रुके कभी ना थमे कभी बस यादों में रहे ये जिंदगी. हर खुशी में है ये जिंदगी यारों से जूती खुशियां जिंदगी की खुशियां उन लम्हों में भी जो लम्हे थे इस नजारों में कैद और यही है जिंदगी.
Welcome friends in this new video. This video is all about the trek at Rajgad Fort. This trek was so memorable and also so long on the hills of Rajgad. So let's begin the journey and enjoy the scenes and also the thriller part of the journey at Rajgad Fort. Hey, good morning guys, welcome back from the Rajgad Fort. And ye hamari third trek hai, and this trek is with my friend Vijay, and he is from Pune. Hi Vijay. So let's enjoy the trek. So shuru mein is trek ki shuruaat hoti hai पत्थर और झाड़ियों में से गुजर के, और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो इस तरह सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जिस समय का मुझे इंतजार था कि कुछ थ्रिलर एंड कुछ एक्साइटिंग मिले, सो हियर यस व्हाट बिहाइंड मी स्टार्टिंग ऑफ राजफोर्ट, जहाँ से राजफोर्ट की एंट्री होती है, एंड उसी को फॉलो करते करते इस रेंज से हमें आगे गुजरना रहता है। एंड ये भी जर्नी, जिस समय हम कोई भी ट्रेक करते हैं ना दोस्तों, उस समय की जर्नी जो रहती है ना, वो अनफॉर्गेटेबल रहती है अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू आर ट्रैवलर एंड इफ यू आर पैशनेट टू ट्रैवल इन योर वीकेंड्स और इन योर हॉलीडेज, and yes, and this is the same challenge, this is the same thrill and enjoyment, excitement that I am feeling here. And here you can see the Vally Fort, which is on the top of this hill. और कुछ ऐसे नज़ारे रहते हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, एंड साथ साथ Rajgad trek. So feeling somewhat very pleasant at this point.
न्यू सिविलाइजेशन, जैसे कि हम चाहते हैं थोड़ा स्ट्रगल कर लिए, जब पसीना निकलता है ना उसके बाद का जो फील हम एक्सपेक्ट करते हैं, एंड यही से वो फील है दोस्तों. यू कैन सी, इफ यू एबल टू सी, देन बिहाइंड मी द राजगढ़ फोर्ट एंड देयर वी आर गोइंग. And this is the beautiful scenes on the Rajgad range. This is Bale Killa, the capital kingdom of Sambhaji Raj. This is the hardest point while trekking towards Bale. इस राजगढ़ ट्रेकिंग जर्नी में जो सबसे डिफिकल्ट लेवल आपको मिलेगी वो है बाले का. और इस तरह की एनर्जी जो बॉडी में फ्लो होती है ना, उसका मजा ही कुछ है. Machi on the top of the Himalayas. And also you can see the Sanjeevani Machi from the other side on the Himalayas. Maratha Samrajya ki shuruaat Rajgad Fort se hui, aur yahan par aap us samrajya ke time ke kuch avshesh dekh sakte hain. और जो नज़ारा हमें सुवेला माची के फोर्ट से देखने को मिलता है ना दोस्तों, उसका कुछ मज़ा ही और है. लास्टली इस फोर्ट में एंटर करते हुए एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है. जैसे मैं इस फोर्ट के टॉप पर गया, सो जो फ्लैग था ना उसका फील कुछ अलग ही था. वो जो मेमोरीज एंड वो जो फील शिवाजी महाराज के टाइम में था वो रियली कुछ अमेजिंग ही था. सो दिस वॉज माई ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑन राजगढ़ फोर्ट. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सो बी विथ मी फॉर माई मोर अपकमिंग वीडियोज. टिल देन, जय महाराष्ट्र. जिंदगी के कुछ लम्हे बहुत खास होते हैं. जब हम किसी सैर पर या किसी एडवेंचर पर निकलते हैं तो उस समय जो लम्हे जो पल हमें महसूस होते हैं, हमें खुशी देते हैं, उस पल को कहीं समेट लेने की इच्छा होती है. वही लम्हे जब किसी ट्रैवल वीडियो में कैद होते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग है. तो दोस्तों ऐसे ही कुछ नज़ारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे. Guys, good morning, welcome back, and this is the new trek to the Lohagad Fort, which is near to the Maharashtra, and this Lohagad Fort is in the range of Lunavara. Is travel ki journey maine ki
अपने प्यारे फ्रेंड श्रेयस के साथ। और इस जर्नी को और डिफिकल्ट बनाने के लिए हमने एक सीधा रास्ता चुना जो कि 3 किलोमीटर दूर था लोहगढ़ फोर्ट से। और जब हमें लगने लगा कि ये ट्रैवल जर्नी लंबी होती जा रही है तो हमने कुछ टेढ़े रास्ते चुनने का सोचा एंड इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते गए। जब हम लोहगढ़ के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसके अपोजिट में वीजापुर गेट फोर्ट भी आपको मिलेगा। लोहगढ़ जाना जाता है मोस्टली टूरिज्म के लिए और लोहगढ़ पर चढ़ने का रास्ता आपको सीधे स्टेयरकेस से मिलेगा और कोई भी आम इंसान वहां पर ट्रेक कर सकता है। और जैसे जैसे हम इस ट्रैवल में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत रंग हमें इस ट्रैवल जर्नी में देखने को मिलेंगे। और इन नज़ारों में जब हम खुद को कैप्चर करते हैं ना तो वो पल भी बहुत यादगार हो जाते हैं। और अब शुरुआत होती है लोहगढ़ फोर्ट की जो कि जाना जाता है हिस्ट्री के लिए और साथ साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स जो कि इस लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। दिस लोहगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड अबाउ 3,000+ feet फ्रॉम सी लेवल मीन्स 1,000 meter अबाउ सी लेवल। और लोहगढ़ फोर्ट जाना जाता है मराठा साम्राज्य के लिए पर कुछ सालों के लिए यानी 5 years के लिए ये फोर्ट मुगल्स के साथ भी था। इस फोर्ट पर चढ़ते हुए हमें कई दरवाजे मिलेंगे उनमें से ये एक दरवाजा जिसका नाम है गणेश। इन दरवाजों की खासियत इनका स्ट्रक्चर और साथ साथ इनकी हिस्ट्री भी है और कुछ एंशियंट टाइम की यानी पुराने ज़माने के तोहफे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। You can also get surprised by this view, like this is the well under the cave, which is so uncommon. This is very ancient and unknown place for me when I visited the Lohagad. और इस जर्नी का सबसे यादगार और मजेदार जो लम्हा था ना दोस्तों वो यही से था। And this is cool breeze which is coming from the top of the mountain. It's amazing. Guys, we are heading at the end point of this Lohagad Fort and we see the same movement, like one is Hina and second one is Kailash. So guys, how do you do? Are you enjoying? Yes. Yeah, that's a warm from you. So we are enjoying here with this cool breeze. You can see
when my hair moves. And this is Vinsu Kata, which is the last place at the corner on Lohagad Fort. इस फोर्ट की जर्नी में आपको ट्रेकिंग बहुत कम ही मिलेंगी। इस ट्रैवल के दौरान एक सीन ऐसा भी था जो थोड़ा मन को विचलित करने वाला था, या कह सकते हैं सरप्राइज करने वाला था। इन लोगों के बीच में एक स्नेक। इस जर्नी का एंड था इन खूबसूरत नज़ारों में से और इन प्यारे लोगों के साथ, जिन्होंने हर एक ट्रैवल जर्नी में हमें साथ दिया। जैसे कि हर एक जर्नी में हम सारे लोगों के साथ कोई ट्रैवल में होता है, एंड जब स्पेशली फोर्ट में हम ट्रैवल करते हैं तो जो एंड पिक रहता है ना, उसका नज़ारा एंड उसका जो फील होता है ना, वो क्वाइट इंटरेस्टिंग रहता है। एंड यस व्हाट द सेम feel that I am feeling here, you can watch behind me these beautiful hills and people, and aise aage bhi journey chalti rahengi. So guys, be with me for more videos. Isi tarah kuch thriller aur kuch yaadgar aur kuch mazedar pal main aapke samne laate rahunga. So be with me for my more upcoming videos. Till then, bye-bye. See you guys. हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत होती है शेंडी भंडरदरा से। शेंडी भंडरदरा ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से रतनगढ़, कलसुबाई और साथ साथ एम के ट्रेक और संदन वैली, ये सारे प्लेसेस पास पास है। सो मुझे जाना था रतनवाड़ी, रतनगढ़ करने के लिए। सो मैंने चूज़ की एक प्राइवेट जिप्सी जो कि उस दिन अवेलेबल थी। अदरवाइज़ यहाँ के लोकल लोग मोस्टली बोट से इस डैम के थ्रू रिमोट विलेज में ट्रैवल करते हैं। जिप्सी हमें छोड़ने वाली थी रतनवाड़ी गांव से 4 किलोमीटर पहले, और वहाँ से हमें जाना था पैदल चल के। सह्याद्री रेंजेस की खासियत ही है उसका ये खूबसूरत नेचर जो कि दिल को छू जाता है। जिप्सी ने ड्रॉप करने के बाद हमें चलना था 4 किलोमीटर अहेड, और वहाँ का ये रास्ता कुछ समय तक अच्छा था, कुछ समय तक बहुत ज़्यादा खराब था। और ऐसे ही चलते चलते राह पर हमें एक मुसाफिर मिला जो कि रतनवाड़ी का था, और उसने हमें लिफ्ट दी और हम पहुंचे रतनवाड़ी। फिर रतनवाड़ी में थोड़ा सा खाना खाने के बाद लोकल के कहने पर हमने रतनगढ़ की ट्रेक 4 बजे शुरुआत कर दी थी। बाप रे, भारी होता है। लोकल के कहने पर हमें लगा कि हम ये ट्रेक 6:30 तक कर लेंगे, और गलती से हमने इस ट्रेक का वे दूर से चूज़ किया, जिस वजह से हमारा जो पहुंचने का अंदाज़ा था वो 1 घंटा आगे हो चुका था, और वही हमारे लिए एक वरी सिचुएशन थी। जैसे जैसे हम आगे जाने लगे, वैसे वैसे हमारी प्यास और बढ़ने लगी, और पानी के तलाश में हम आगे जाते गए, पर पानी तो मिला नहीं और शुरुआत हुई घने जंगल की। खूब थक लगा रे तू? हाँ, अच्छा सस्ते ट्रैक में दे, चल समर समर। सोचा कि आगे जाके लोग मिलेंगे, ना लोग मिले, ना लोगों की दूर दूर तक परछाई दिख रही थी। ये जगह थी जब हमने
जंगल क्रॉस करने के बाद सीढ़ियां चढ़ के रतनगढ़ में एंट्री की थी। रतनगढ़ पर और रात के 8 बज चुके हैं। कैसे तरके हम जंगल से आए, मुझे भी पता नहीं था कि हमें जंगल से आना था, बट मेरा भाई जो कि कभी मेरे साथ ट्रिप में आया नहीं था और पहली बार में सबसे थ्रिलर एक्सपीरियंस रियली फ्रेंड आपको बता दूं कि ये मेरे लाइफ का नाइट का सबसे थ्रिलर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ट्रिक नाइट में किए नहीं है और आज किया है, तो ऐसा ट्रिक जहाँ पर एक इंसान भी नहीं, एक चींटी की भी मतलब क्या बोलते हैं परछाई यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो ऐसा व्यू है, देखो आप कहीं पर भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। और अभी हम पानी के सर्च में है, तब से थोड़ा हमें बीच में पानी मिला था और मेरे साथ भाई मेरा डर गया था, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, बट पानी मिल चुका है, हमने पानी पी लिया, बस अभी थोड़ा खाना पकाएंगे, टेंट लगाएंगे या यहाँ पर गुफा है वहाँ पर रह लेंगे और फिर सुबह आपको नज़ारा दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, काफ़ी ऐसी मेहनत और हार्डवर्क करने के बाद स्पेशल इन ट्रेकिंग और जंगल से थ्रिलर ऐसे जंगल से आने के बाद यहाँ पर अभी हम शांत से बैठे हैं और कुकिंग हो रही है, हाँ, और गाने भी यहाँ पर बज रहे। ये एक एंजॉयमेंट का पार्ट तो नहीं है बट एक रिलैक्स फील हो रहा है अभी, बिकॉज अगर आप बाहर देखोगे तो कोई नहीं है, पूरे जंगल टाइप मतलब पूरे पहाड़ों पर हम ही हैं और यहाँ पर स्लाइड ब्रीज चल रही है एयर की। आपको अगर और फास्ट कुकिंग करनी है, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेकिंग पे, तो आप ऐसा ब्लेड वाला एक बॉक्स भी ले सकते हैं जिसमें आपने ओनियंस डाल दिए तो वो जल्दी से ऐसे क्रंच होके कट के निकलते हैं। सो ये है हमारा ब्यूटेन गैस और इसका ये सिलेंडर, ये कैन रहती है छोटी सी 255 ग्राम की है, इससे भी बड़ी होती है जो हमने 300 ग्राम वाली ली है। तो आप कोई भी ऐसे शॉप से जहाँ पर वेल्डिंग का ब्यूटेन गैस ये होता है वहाँ से ले सकते हो, हार्डवेयर या स्पेसिफिक शॉप से आप फाइंड आउट कर सकते हो गूगल पर, तो इसको ब्यूटेन सिलेंडर कहते हैं। अभी मैं इसको जलाऊंगा एंड फिर ये हम अभी पकाएंगे। So, दोस्तों अभी हम बना रहे हैं अंडा भुर्जी और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो अगर आपको ट्रेक पे आना है, एग्स का ट्रे बहुत काम में आता है, तो आप हमेशा अगर कैरी करना चाहते प्रोटीन तो ये एग्स का ट्रे खरीद सकते हैं। और तो इसी के साथ हो चुकी थी एक सुनहरी सुबह और उस सुबह को हमें देखना था, तो हमने हमारी नींद बहुत जल्दी से कंप्लीट कर ली थी और हम आ चुके थे अपने टेंट के बाहर। रात को ये जगह कैसी थी कैसी नहीं ये तो पता नहीं, बट जो सुबह का नज़ारा था ना वो इस जगह को 10 गुना बेहतर बना रहा था और हसीन बना रहा था। इस तरह सुबह की ताज़ा किरणों का स्वाद एक अलग ही एहसास दे जाता है। फ्रॉम आवर कैंपिंग साइट हमें और 30 मिनट्स रतनगढ़ टॉप पर पहुंचने के लिए लगने वाले थे जिसका सफर शुरू हो चुका था। इस ट्रेल को देखने के बाद एक तो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, रतनगढ़ पर जो ट्रेक्स करते हैं वो मोस्टली वीकेंड पर आते हैं और यहाँ पर रश भी बिल्कुल ही नहीं होती है। सो यू कैन कम टू दिस ट्रेक इन वीकेंड्स विद फ्रेंड्स एज वेल एज़ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आप मोस्टली प्राइवेट व्हीकल से आना प्रीफर करो। थर्टी मिनट्स ट्रेक करने के बाद हम पहुंच चुके थे रतनगढ़ टॉप पर। सो ये था उसका पहला व्यू जो कि आपको इस पर्टिकुलर पैच को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, जो कि लगती है एक गुफा जैसी। इस स्पेसिफिक प्लेस से आपको रतनगढ़ फोर्ट के दो साइड्स देखने को मिलते हैं, एक है फ्रंट एंड एक है बैक। सो दिस इज द बैक साइड ऑफ रतनगढ़ फोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ संदन वैली एज वेल एज द सामरथ विलेज।
सह्याद्री रेंज की एक पहाड़ों की श्रृंखला है. एंड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ दिस रतनगढ़ इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सामरथ विलेज, सो इसी वे से आपको आना होता है. बट जैसे कि हम संतनबारी सामरथ विलेज जा रहे हैं, इस वजह से almost got tired. फोर्ट से डिसेंडिंग करते समय हमारे डिसेंडिंग का ये था लास्ट बैच जहाँ से सामरथ विलेज को थोड़ा बहुत पार्ट संतन वाली का हमें यहाँ से दिख चुका. जब हम बेस पर आए तो हमें लगी थी प्यास, तो हमें लोकल अंदर यहाँ पर मैं इस वैली में हूँ. और ये वैली ना फेमस है लाइक ओनली शैडो वैली, बिकॉज इतनी नैरो वैली है ये कि इसके बीच में से चलना और ऐसे पानी के सोर्सेस वहाँ से भी हमें क्रॉस करना, एंड ऊपर से भी जो मतलब प्लेटो है जहाँ पर सामरथ विलेज है वहाँ से भी पत्थर गिरने के चांसेस रहते हैं. बट यहाँ पर अगर मैं चिल्लाता हूँ ना तो काफ़ी अच्छा इको होता है, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, लाइक द सेम वे. सो इस तरह संदन वैली में थोड़ा एडवेंचर करने के बाद हमारा टाइम था यहाँ से निकलने का, और हम उसके बाद पहुँचे रतनवाड़ी. एंड इस तरह हमने यहाँ पर की नाइट कैंपिंग और हम नेक्स्ट डे चल पड़े कलसुबाई. आई होप यू गॉट सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो. And please share the video and subscribe the channel. And thanks for watching. Hey everyone, welcome back again in my new travel blog on the most famous place, that is Manali. The experience which I had here was very relaxed, pleasing and also enthusiastic. And the culture is also unforgotten in between these beautiful scenes. So here, my dreaming Manali journey starts with the Solang Valley. One of the valley in Himachal Pradesh covered with a lot of snows, especially in winters. The experience walking across the streets of Solang Valley was very new and fascinating to me. When I looked around to the hills, that was a magical experience which I had. While walking towards Solang Valley, the path which we had was very slippery and difficult to go through. Sometimes we feel like difficult to take breath above 7000 feet because of low oxygen level. But it's often ignored because when we look at these amazing hills, the amazing mountains, that time we forget every illness that we had. The speciality of Solang Valley is the activities that performed here. Like you can see, the paragliding was amazing when we fly in the skies. The next activity is ski. All kind of these activities are performed in these valleys and the hills of snows, especially in winters. Hello guys, welcome back again from Solang Valley in Manali.
You can see behind me a beautiful view of snows and hills that is more fascinating among all, and I'm enjoying here. And such experience and joy you only feel when you visit this place, like I'm doing here. The second day of my Manali journey had came at Jogini waterfall. The speciality of this waterfall is when the water falls from the vertical path that is very straight. Guys, you can see everyone is climbing onto the mountain of Himachals. Very fascinating to see. Of Himachals. It was very difficult climbing for the visitor who are very new because of the snows, especially in winters. And this is straight vertical path of Jogini Hills. On the same day, we visited the temple Vashisht. The Vashisht temple is famous because of the presence of the Rishi Vashisht. Hello guys, guess what? We are at Vashisht temple, the famous temple. A Rishi. View of the places in Manali is really very cinematic if you would discover it. The third and the last day of our Manali tour was for the discovering Manali town. This is famous and ancient Hidimba temple, the Hidimba which you heard in Mahabharata, the wife of Bhim Hidimba. You can also taste the culture of Himachal Pradesh next to the Hidimba temple. At the same place you can take a ride on the yak, the wild yak, and see the beautiful animals and how they adapted the weather. For the tourist, there is a place, Mall Road, where you can shop anything which is famous for that particular region. So it was my experience in Manali. I hope you like this video and I know you would definitely visit it. हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है. हमारा एक जो डॉग था ना हमारे साथ था, वो अभी इस खाई से नीचे गिर चुका है जहाँ पर नदी है. यहाँ से हम अभी नीचे से शॉर्टकट लेते हुए आए एंड हमारा 20 केजीज का वेट. हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक नई जर्नी के साथ जो मेरे कुछ दोस्त लोगों के साथ और भाई लोगों के साथ भी है. बचपन से नमस्ते भाई. सो यहाँ पर हम अभी चंडीगढ़ से आगे हमारी जर्नी स्टार्ट करने वाले जो कि ब्यूटीफुल वादियों से गुजरते हुए शुरू होगी और ख़त्म भी एक अच्छे से ब्यूटीफुल जर्नी पर ही फिनिश होगी. तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करते रहेंगे. अभी हम खाना खाने बैठे हैं, हमारा खाना आने का है. तो इस सफर में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था मणिकरण कसोल वैली. सो हम एक ऐसी जगह है जो बहुत ऊंचाई पर है. यहाँ पर अभी थोड़ा बादल का मौसम हो चुका है बट ये जो ठंडी हवा है ना उसमें ये आमलेट खाने का मजा कुछ अलग है. और यहाँ पर हमने सोचा कि जाने से पहले कसोल कुछ खा लिया जाए और वही चल रहा है. जैसे हम जहाँ पर अभी उतरे थे वहाँ पर ही हमें जस्ट एक्सप्लोर करने का सोचा है. यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल नजारा है एंड साथ साथ इधर से ये फोरकास्ट जो कि रियली ऑसम एंड वेरी कूल. पहले आफ्टर अ लॉन्ग हिट इन दी महाराष्ट्र स्टे हियर वी आर टेकिंग कूल ब्रीज. तो दोस्तों, कसोल वैली में एंटर करने के लिए हमें भुंतर टाउन से जाना होता है जहाँ पर आपको ब्यास रिवर यानी ब्यास रिवर देखेंगे. यहाँ का नज़ारा काफी थ्रिलर होता है.
कभी कभी ऐसा लगता है कि इन हवाओं को, इन नजारों को हाथ में समेट लो और लेके चलो। अब हम थे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जिसका नाम है मणिकरण गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारे से लग के ही ये पार्वती रिवर बहती है, जो कि पार्वती ग्लेशियर से आती है। और जो नजारा है ना, काफी डरावना लगता है जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। इस गुरुद्वारे की खास बात ऐसी है कि यहाँ से गर्म पानी का सोर्स निकलता है, जो कि एक नेचुरल वे से आता है। पर यहाँ के धार्मिक लोग ऐसा कहते हैं कि ये गर्म पानी का सोर्स उनके भगवान की वजह से आता है। दिस इज हॉट वाटर स्प्रिंग इन गुरुद्वारा एट मणिकरण। और यहाँ पर टूरिस्ट या श्रद्धालु स्नान लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट डे एट कसोल वैली। एंड यहाँ पर अभी भी हम मणिकरण टेम्पल के पास ही रुके थे। एंड यहाँ पर ये मॉर्निंग का ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख पा रहे हो दोस्तों, क्वाइट अमेजिंग। एंड यहाँ से आज हम शुरुआत करने वाले हैं खैर गंगा ट्रेक की, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे टोश विलेज से स्टार्ट होती है। तो हम कुछ ही देर में वहाँ पर निकलने वाले हैं इसी ब्यूटीफुल सनराइज के साथ, एज वेल एज इस ब्यूटीफुल वेदर के साथ। एंड ये नज़ारा भी हमारे साथ ही रहेगा। मणिकरण से हमारा अगला डेस्टिनेशन पॉइंट था खीर गंगा ट्रेक, जिसकी शुरुआत होती है बारशिनी विलेज से या तोश विलेज से, जहाँ तक आपको जाने के लिए बस भी मिल सकती है या कैब भी। बस की कॉस्ट 50-40 rupees अप्रोक्सीमेट हो सकती है और कैब की 800 rupees। सो इस तरह हमारी खीर गंगा ट्रेक की शुरुआत इन कसोल वैली के जंगलों में से गुजरते हुए होती है, जहाँ पर ये हरियाली और ये सुंदर नज़ारे काफ़ी अमेजिंग लगते हैं दोस्त। इन पाइन्स के जंगलों में से ट्रेकिंग और ये अमेजिंग नज़ारे। इस 12 किलोमीटर लंबी ट्रेकिंग जर्नी से पहले कुछ हेल्दी डाइट होना तो ज़रूरी ही था, जो हमने यहाँ पर किया। जैसे कि आपने अभी प्रीवियसली देखा, हमने जैसे एक न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट मिल्क में मिला के खाया। एंड यहाँ से हम अभी आगे जा रहे हैं, ये पीछे हमारे दोस्त। हाय एवरीवन, अगेन फ्रॉम प्रथमेश, वी आर 4 ट्रेकर्स एंड वी आर गोइंग टू खीर गंगा अगेन। आई एम रिपीटिंग, यस, हमारे प्रथमेश भाई यहाँ से जा रहे हैं, बहुत जुनून वाले हैं ये ट्रेकिंग में, मेरे साथ साथ प्रथमेश। और यही है हमारे सचिन भाई, जो कि पुणे से हमारे साथ फर्स्ट ट्रेक में आ चुके शादी के बाद, तो इनके लिए शादी के बाद बैचलर पार्टी हो रही है। और दोस्तों आप ये देख पा रहे हो इस डॉग को, ये हमारा गाइडर है यहाँ का। बिकॉज हर हिमाचल प्रदेश की जर्नी में कोई ना कोई हमें एक एनिमल मिल जाता है एज अ फॉर्म डॉग, जो हमें मदद करता है ट्रेकिंग करने के लिए। सो ये यहाँ से आगे आ गया, ये बढ़ रहा है। तो अभी हम हैं थोड़ा ऊपर खीर गंगा ट्रेक के पास। एंड यहाँ पर बीच में एक बहुत अच्छा नज़ारा मिला, जो कि एक अलग सा फील दे रहा है। एंड दोस्तों जब आप भी आओगे ना यार, ये जो रियलिटी में फील करने का मज़ा रहता है ना, वो कुछ अलग ही रहते हैं, और साथ साथ दोस्तों के साथ तो और अलग। भाई लोग आ रहे हैं, मजा आ रहा है दोस्तों। सो आगे का हमारा प्लान ऐसा है कि हम ट्रेक करेंगे, वहां पर कैंपिंग करेंगे, और साथ साथ आगे भी पार्वती वैली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। गुड जॉब, गुड जॉब गाइस। सो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से हम उतरे हैं अभी, और यहाँ से बहुत ज्यादा कीचड़ है कि बारिश का सीजन यहाँ पर चलते रहता है, मतलब बीच बीच में रिमझिम 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 जून से लेके जुलाई तक है ना, उसी पीरियड में हम अभी ट्रेकिंग कर रहे हैं। पढ़ला
फ्रेंड्स हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है, हमारा एक जो डॉग था ना हमारे साथ था वो अभी इस खाई से नीचे गिर चुका है जहाँ पर नदी है। सो बहुत बुरा लग रहा है, अब तो यहाँ से नीचे जस्ट अभी गिरा बट वो वहाँ पर भी जाके एंजॉय कर रहा है। यहाँ के कुत्ते भी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर आप देख सकते हो झरना, यहाँ पर वो गिरा। सो उसको देख के मजा आ रहा है। प्रथम कैसे हो, मजा आ रहा है? बढ़िया। काफी इनको मजा आ रहा है ट्रेक करते समय, फर्स्ट टाइम इतना वेट उठा के जा रहे हैं हम ऊपर। सो हमारे दोस्त यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। ये हम है, ये हमारा लगेज है और ये हमारी ट्रेकिंग हो रही है। सो इसी तरह और मजा करते रहेंगे गाइस, और चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कैंप आ चुका है दोस्तों। सो ब्यूटीफुल कैंप एंड यहाँ पर ग्रीनरी जो हम फील करते कश्मीर में और हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा है। कसोल वैली नियर तोश विलेज टू खैरगंगा ट्रेक। सो दिस इज ब्यूटीफुल ग्रीनरी अराउंड अस एंड यहाँ से और मजा आते जा रहा है ट्रेक में, बिकॉज ट्रेक इज वेरी क्लोज, द डेस्टिनेशन पॉइंट इज वेरी क्लोज टू अस। सो ऊपर पार्वती वाली, ये हमारे सचिन भाई बहुत आगे जा चुके हैं और इनको भी बहुत मजा आ रहा है, फर्स्ट ट्रेक है इनका हिमाचल प्रदेश में एंड काफी अमेजिंग लगता है जब हम दोस्तों के साथ यहाँ पर ऐसे ट्रेक करते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि पीछे से नज़ारे भी इतने खास रहते हैं ना। And this was our lunch time while trekking towards Khairganga. And what we are eating? Maggi. Because to survive on the hills, you have to take fast food only. Part 2 of this trek. Abhi hum Maggi kha ke apna pet bhar ke nikal rahe hai. Aur nikal chuke hai. Sachin, how's the judge? Hi sir. How's the judge? Hi sir. ऐसा जुनून है हमारे ट्रेक का, अभी भी हाफ ट्रेक जस्ट हो चुका है फिर भी हमारी एनर्जी टॉप पर है। सो फ्रेंड्स हमारी हाफ से ज्यादा ट्रेक हो चुकी है एंड हम एक छोटे से स्पॉट पर आए थे जहाँ से एक वाटरफॉल आपको दिखा एंड कुछ फ्रेंड हमारे आगे गए हैं एंड कुछ लोग थक गए, बट फिर भी ये ट्रेक तो कंप्लीट करना ये उनका मकसद है, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेक करने वाले हैं वो कुछ न्यूली ज्वाइन फ्रेंड्स हैं एंड साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स बिहाइंड मी यू कैन वॉच द ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन बिटवीन दिस ट्रेक एंड ये वाटरफॉल देख के ना एक नई एनर्जी जाग उठी है, क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेक धीमे धीमे चल रही थी बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग न्यू थे, बट यहाँ से और हम आगे जाते जाएंगे और मजा आने लगेगा। सो ये वाटरफॉल उसको आप एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। Literally guys, I cannot describe the experience, the feel which I'm feeling here. To get this feel, you must have to come here. Thank you.
लंच या नाइट स्टे भी कर सकते हो। फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट 80% ट्रिप कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ से और कुछ वाटरफॉल स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसी तरह हम आगे जाके ये ट्रिक करते रहेंगे और मजा लेते रहेंगे एंड काफ़ी लिटिल बिट थक चुके काफ़ी नहीं बोल सकते बिकॉज बट इस थकावट में भी एक पॉजिटिव एनर्जी भरी है क्योंकि इन वादियों में और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे और छोटे छोटे झरने हमें क्रॉस करने हैं क्योंकि मंजिल अभी दूर नहीं दोस्तों। दिस इज द हार्डेस्ट पीक टू रीच एट खीरगंगा बिकॉज यहाँ से हम अभी नीचे से शॉर्टकट लेते हुए आए एंड हमारा 20 केजीज का वेट एंड साथ साथ ये डेंजरस और वी कैन से हार्डेस्ट ट्रिक तो उसमें मज़ा आ रहा है। अभी जस्ट 100 मीटर्स अवे है हम खीरगंगा से। इन हसीन वादियों में खो जाने की कशिश अभी भी बाकी है, कुछ मंजिलें अभी भी बाकी है, उनको हासिल करने का मकसद दिल में अभी भी ठाम है, बस कोशिश है इन पर्वतों पर चढ़ने की, बस कोशिश है इन पर्वतों पर चढ़ने की, अभी भी वो दिल में आग बाकी है। इसी आग के साथ मैं आगे बढ़ते रहूंगा जैसे कि अभी शायरी जब बनने की कोशिश की, बट दोस्तों सही में देखो यार और यहाँ तक था हमारे जर्नी का फर्स्ट पार्ट जो कि खीरगंगा तक था और सेकंड पार्ट में हम जाएंगे हिमाचल के मनाली में एज वेल एज रोहतांग पास तक। पीछे देख पा रहे हो ये हमारा येलो कलर का कैंप है जहाँ पर हम रात को रुके थे एंड आज भी कुछ एक्सप्लोर करने का हमारा इरादा तो है बट बारिश की वजह से कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यहाँ पर जाम लगा है बिकॉज यहाँ पर अटल टनल पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वजह से हाफ आवर के लिए अभी फिलहाल जाम लगा है। उसके welcome back after a long time to new travel vlog which is on the dream place called as Ladakh, the place which everyone want to visit, the place where everyone want to explore. So let's start with this dreaming journey. ये travel journey शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से through Ladakh एयरपोर्ट एंड ये जर्नी हमारी 5 डेज की थी जो कि राउंड ट्रिप। तो इस जर्नी में हमने ट्रैवल कैसे मैनेज किया, अकोमोडेशन का कॉस्ट क्या था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो हमारा ट्रैवल रहा वो था कैब से जो कि हमने नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया। एयरपोर्ट से लेह आने के लिए आपको बस से 20 रुपीज़ पर कैंडिडेट और कैब से 400 रुपीज़ पर कैब इस कॉस्ट में गिरेंगे। हेलो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं हमारी सडन और सरप्राइज जर्नी एट द लेह। यहाँ पर पीछे आप ड्राई हिल्स एंड एज वेल एज स्नो भी देख पा रहे हो। दिस इज द मंथ ऑफ मार्च एंड एग्जैक्टली हम अभी अपने गेस्ट हाउस के पास जाने वाले हैं। ये मेरा दोस्त बहुत आज सरप्राइज है क्योंकि हम अलग जर्नी कर रहे हैं। ये वी आर एक्साइटेड। सो अबाउट अकोमोडेशन दिस इज डोलमा गेस्ट हाउस जो हमने ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से बुक किया था एंड मार्च सीजन में इसकी कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज फॉर 3 पीपल हुई थी। मोस्टली इन समर सीजन द कॉस्ट
also increased with the increase in tourism. If you are traveling solo, so you can also manage with the hostels in Leh. Hey friends, good evening. और अब हम है लेह के मॉल रोड पे. सो आप पीछे देख रहे हो, अभी जस्ट यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मॉल रोड बंद है. बट जैसे जैसे अगला मंथ में भी, यहाँ पर एक लोकल एट ने बताया कि 28 मई से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा. सो सिमिलर टू दी मनाली शिमला, हियर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल मॉल रोड. सो हमारा सेकंड डे स्टार्ट होता है लेह सिटी से नुब्रा वैली के तरफ. और इस जर्नी में जो हमारे मेजर डेस्टिनेशन थे, फर्स्ट वन इज खारदुंगला पास, सेकंड वन इज डिस्किट मॉनेस्ट्री एंड सैंड ड्यून्स इन नुब्रा वैली. एंड वी डिड दिस जर्नी वाया कैब फॉर 2 days फॉर 4 people. इट टुक अराउंड 16,000 to 17,000 इन ऑफ सीजन, which had included all major places in Ladakh. Ladakh इस area को world के highest passes में गिना जाता है, मतलब जहाँ से वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रास्तों से गाड़ियाँ जा सकती है, जिसमें लेह सिटी का एलिवेशन 3000 मीटर मींस 9800 फीट कैलकुलेट किया जाता है. एंड हाईएस्ट मोटरेबल पास में खारदुंगला, देनचांगला एंड नाउ उमिंगला, ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है. On the way to Khardungla Pass, you will get amazing beautiful experience here at this place. And from this place, you can take as many as pictured to create memories to show to your friends as well as family too. And जो view यहाँ पर मिलेगा ना, वो सही में शब्दों में बयां नहीं हो सकता. So if I have to tell you about health safeties, so it's important to take rest on day 1 in Leh city itself, because yahan par high altitude ke karan health sickness hone ke chances zyada hote hain. And for its precaution, it's mandatory to take a medicine of high altitude before 1 day prior to come in Leh. You say never let me go. यहाँ पर कुछ खाया एज अ लंच एंड वहाँ से हम निकल चुके थे नुब्रा वैली के लिए. और थोड़ी देर इन पहाड़ी डॉग्स के साथ यहाँ पर हमने समय गुजारा, इसमें काफ़ी मज़ा आया. खारदुंगला के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट होता है नुब्रा वैली की तरफ,
दुब्रा वैली की स्पेशलिटी उसका लैंडस्केप होता है, जो कि एक अलग सा सुकून दे जाता है। और नुब्रा वैली को स्पेशली कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे तो लद्दाख सारा कोल्ड डेजर्ट की तरह ही है, बट जैसे हम नुब्रा वैली में धीरे धीरे एंटर करते हैं, वैसे वैसे सैंड ड्यून्स स्टार्ट होते हैं और यहाँ के हिल्स का स्ट्रक्चर एंड कलर एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर देता है। नुब्रा वैली का एलिवेशन भी लेह के एलिवेशन के बराबर ही है। एंड इफ़ यू कंपेयर दिस लैंडस्केप विथ राजस्थान लैंडस्केप इज सिमिलर, जस्ट डिफरेंस इज यू विल गेट हिल्स ऑन द रोड साइड एज वेल एज फार अपोजिट कोल्ड टेम्परेचर एज कंपेयर्ड विथ राजस्थान। जिस सैंड ड्यून्स की बात मैं कर रहा था वो यहाँ पर हमें दिखाई दिया, काफ़ी सिमिलर था राजस्थान के लैंडस्केप से, बस डिफरेंस यही था जो कि कोल्ड टेम्परेचर एंड ये डिफरेंट लैंडस्केप विथ हिल्स। यहाँ पर मॉनसून सीजन ना होने के कारण रेन काफ़ी कम होती है, जैसे ना के बराबर। एंड जो कुछ भी होता है वो विंटर में स्नोफॉल के फॉर्म में काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। इन नुब्रा वैली एट द एलिवेशन ऑफ 3,144 meters देयर इज डिस्किट मॉनेस्ट्री विच इज बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, अ वेरी ह्यूज मॉनेस्ट्री सिचुएटेड ऑन द हिल जस्ट अबाउट द फ्लोट प्लेन्स ऑफ शोक रिवर। ऐसे स्पिरिचुअल जगह और जिसके सराउंडिंग में ये सुंदर हिल्स काफ़ी सुकून और शांति दे जाते हैं। कुछ ऐसा लैंडस्केप जो सिर्फ आपको पूरे दुनिया में इंडिया में ही मिलेगा। सो हमारा सेकंड डे लद्दाख में काफ़ी यादगार और मज़ेदार रहा और हुंदर इस विलेज में हमने गेस्ट हाउस में रात को स्टे किया। एपिसोड 2 में काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम जाने वाले हैं चाइना बॉर्डर पैंगोंग सो लेक पर। सो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ लद्दाख सीरीज and these are the glimpse of day 3rd and day 4th in Ladakh. So let's enjoy and please share and subscribe our channel for more videos. In previous video of episode 1, हमने लेह सिटी से खादुंगला पास एंड वहाँ से डिस्किट मॉनेस्ट्री एट नुब्रा वैली यहाँ तक की जर्नी की थी। सो आज तीसरे दिन हम निकल रहे हैं हुंदर विलेज से पैंगोंग सो लेक की तरफ। इस जर्नी की शुरुआत होती है नुब्रा वैली से शोक रिवर बैंक के साथ दुर्बक विलेज तक, और इस जर्नी के बीच आपको काफ़ी ऐसे सुहाने और ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस ठंडे रेगिस्तान भरे वादियों में काफ़ी ऐसे नज़ारे हैं जो दिल को छू जाएंगे, बट कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो उसी में से एक ऐसा बेस्ट व्यू जो हमें मिला यह है फर्स्ट व्यू ऑफ शोक रिवर वाइल गोइंग टुवर्ड्स पैंगोंग सो लेक। इफ़ आई टॉक अबाउट शोक रिवर,
सो शोक रिवर का सिग्निफिकेंस अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी काफ़ी है, क्योंकि शोक रिवर ओरिजिनेटेड है तिब्बत चाइना से और ये गलवान घाटी से होते हुए इंडिया लद्दाख में एंटर होती है। और आप सब ने 2 साल पहले गलवान घाटी में हुए इंडिया एंड चाइनीज आर्मी के फाइट के बारे में सुना ही होगा। In some part of the way towards Pangong So Lake from Nubra Valley, you will get this off-road, and ये हुआ है लैंडस्लाइड के वजह से। There are some small bridges over Shok River to cross it while going toward Durbag village as well as Pangong So Lake from Durbag village. On the way to Durbag village, ये जो लैंडस्केप हमें दिखा इसको शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल ज़्यादा है। So just watch and enjoy these scenes. After 4 hours long journey from Nubra Valley, अभी हम पहुँच चुके थे दुर्बग इस विलेज में। दुर्बग इस विलेज को मेजर आर्मी स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पैंगोंग सो लेक की सिक्योरिटी एज वेल एज गलवान घाटी की सिक्योरिटी को देखा जाता है। एंड इसी विलेज से हम चांगला पास से लेह सिटी में भी जा सकते हैं। दुर्बग विलेज तक पहुँचते पहुँचते दोपहर हो चुकी थी, इस वजह से हमने यहाँ पर लंच किया। उसके बाद हम निकल चुके थे पैंगोंग सो लेक की तरफ। दुर्बग इस विलेज से पैंगोंग सो लेक 20 किलोमीटर्स दूर है। ऑन द वे टूवर्ड्स पैंगोंग सो लेक यू विल गेट ग्रीनरी इन द मंथ आफ्टर मे और जून, और जैसे कि हमारा सफ़र था मार्च में, इस वजह से यहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल ही नहीं थी। जिस मंजिल का हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था वो मंजिल आ चुकी थी। And this is the first view of Pangong So Lake. जैसे जैसे हम Pangong So Lake की तरफ आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये white free snow of Pangong So Lake काफ़ी beautiful ऐसा scenario create कर रहा था। वैसे तो tourist यहाँ पर summer इस season में bluish transparent लेक को देखने आते हैं, पर इस मंथ में भी मतलब मार्च में आकर भी हमें काफ़ी सुकून मिला और काफ़ी ऐसे मस्ती हमने यहाँ पर इस लेक में की जो आगे आपको देखने को मिलेगी। दिस पैंगोंग सो लेक इज सो ह्यूज स्पेशली इन लेंथ, सो इट हैज़ अबाउट 134 किलोमीटर इन लेंथ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा यहाँ पर थ्री इडियट्स इस मूवी की शूटिंग हुई थी। सो सिमिलर टू दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम मोमेंट्स विच हैज़ बीन कैप्चर्ड इन दैट मूवी, एंड वी ऑल्सो कैप्चर्ड सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑन दिस फ्रोजन पैंगोंग सो लेक। एंड विथ नो सरप्राइज इट हैज़ ऑल्सो गिवन अस द फीलिंग ऑफ जॉय विच we can't describe in this shoot. About the significance of this lake, so it has covered almost 70-80% of lake across LSC and only 25-20% of lake in India. पैंगोंग सो लेक पर काफ़ी समय बेस्ट मेमोरीज क्रिएट करने के बाद हमारा सफ़र था लेह की तरफ रिटर्न जाने का, और रिटर्न जाते समय हमें क्रॉस करना था वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास जो कि था चांगला। अभी हम थे चांगला पास पर। चांगला पास का एलिवेशन है 5,391 मीटर्स, और ये पास काफ़ी ऊपर होने के कारण यहाँ पर वेदर चेंज होते रहता है, कभी भी आपको वेदर स्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से दुर्बग विलेज से आपको जल्दी निकलना बेहतर होता है।
प्रीवियस पार्ट में एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया था, जो था वहाँ का कैमल राइड। नुब्रा वैली में आप कैमल राइड भी कर सकते हो। हमारा फोर्थ डे यानी सेकंड लास्ट डे लद्दाख में बाइक ट्रिप करने में गया, जिसमें हमने वन डे में नियर बाय साइट को विजिट करने का डिसाइड किया और प्लेसेस विजिट करने के लिए हमने कुछ नॉमिनल स्पॉट डिसाइड किए, जिसमें हमारा फर्स्ट प्लेस था इंद्रजंस्कार संगम, देन मैग्नेटिक हिल और उसके बाद रैंचो स्कूल और लेह सिटी के पास तूपा। ऐसे कुछ गिने चुने प्लेसेस हमने विजिट किए। ये था इंदस एंड जंस्कार रिवर का संगम एंड यहाँ पर हमने टॉप व्यू से ये शूट किया था। और ये था ग्राउंड लेवल व्यू ऑफ इंदस एंड जंस्कार रिवर्स विच आर कोलिजन एट वन प्लेस। दिस इज मैग्नेटिक हिल नियर लेह एंड इट इज फेमस फॉर इट्स इल्यूजन। और जो इल्यूजन था, जैसे आप स्लोप के ऊपर गाड़ी रखते हो तो वो स्लोप के ऊपर ही जाएंगे। Hey, good evening friends from Leh. आज हमारा लास्ट डे है लेह में और अभी तक हमने इंदस एंड जंस्कार रिवर का संगम, उसके बाद अभी हम एक स्पेशल एंड सरप्राइज प्लेस पर आए हैं, इसका नाम है रैंचो स्कूल। सो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी एंड इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर नज़ारा है ना दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ व्यू इस स्कूल से मिलेगा, बट रियली अमेजिंग। ये स्कूल फेमस हुआ था थ्री इडियट्स मूवी के शूटिंग के बाद और इस स्कूल की स्पेशलिटी काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से ज़्यादा इस व्यूज़ को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। और इस तरह हमारी मार्च 2022 लद्दाख रोड ट्रिप रही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड 2 एंड अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक विजिट नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वीडियो 2 की लिंक मिल जाएंगी। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा लग रहा है दोस्तों व्यू? जबरदस्त। ये देखो पीछे हमारे आई थिंक गेस्ट हाउस है एंड ये वैली है विद द स्नो, सराउंडेड विद स्नो एंड बहुत कम दिखता है श्री कृष्ण प्लेस नेम ऑफ दैट हाउस। गो अहेड, ब्यूटीफुल साउंड ऑफ दिस वाटर बिहाइंड मी and behind me also you can watch the big big hills. जैसे हम आगे बढ़े हमें यहाँ पर स्नो दिखने लगी एंड यहाँ से थोड़ी बहुत फिसलन थी, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे एंड देन यहाँ पर बाजू से जो पानी बह रहा था ना, उसका आवाज सुन के ना बहुत मजा आया था दोस्त। एंड जब यहाँ पर ये हिल्स पर नजर गई ना, तो यार यहाँ पर जो डिस्टेंस देख के ना हिल्स का शॉक लगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल हिल्स एंड वहाँ से बहता हुआ ये वाटरफॉल अमेजिंग लग रहा था दोस्तों, अमेजिंग। सेम ये है।
दिस इज ब्यूटीफुल फॉल एक्चुअली. और ऊपर जाना है हमें, और ऊपर जाते रहना. हेलो दोस्तों, अभी की एक बात बताना चाहता हूँ. यहाँ पर बस एक छोटा सा वे था और इस दीवारों के बीच में से एक मेरी पार्टनर गिर गई वहां से. एंड अच्छा हुआ कि लगा नहीं, बट एक्चुअली शूज अच्छे होने चाहिए एंड हमें नहीं पता था यहाँ पर स्नो रहेगा करके. दैट्स व्हाई हम ऐसे आ गए. अभी चलते धीरे धीरे. एक्चुअली ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अस बिकॉज ही इज शोइंग डायरेक्शन वेयर टू गो. है ना, राइट राइट डॉगी, कम ऑन, चलो. और आपको बहुत सारे व्यूज दिखाते जाएंगे जो बहुत मजा आएगा देखने में आपको. हिमालय की छोटी पर चढ़ते हुए हम, पीछे पीछे हमारा गाइड और आगे आगे हम. हिमालय सबसे बेस्ट प्लेस टू विजिट इन विंटर, इन समर, इन एवरी सीजन. यू कैन सी हियर, है ना, दिस इज बिग बिग हिल्स बिहाइंड मी, वाटरफॉल. देखो आज संभाल के, एक्चुअली मैं बोल रहा था ना आपको, जैसे फिसलन होती है एंड दिस काइंड ऑफ फिसलन, मतलब थोड़ी बहुत बर्फ रहती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो, बट मोर देन दैट द स्नो इज गोइंग टू मेल्ट. दैट्स व्हाई द फिसलनेस इज कम ओवर हियर. देखो संभाल के ना, गिरना मत. पहुंच गए हम थोड़ा बहुत ऊपर. यहाँ पर आवाज़ भी कम है एंड यहाँ पर ब्राइटनेस भी बहुत कम है, क्योंकि ये है एक अल्टीमेट एम पॉइंट ऑफ जोगिनी वाटरफॉल. बट इससे भी ऊपर आ सकते हैं. यहाँ पर कुछ लिखा है. क्या लिखा है दोस्तों? जोगिनी वाटरफॉल क्या लिखा है? धार्मिक स्थान है बोलते हैं. ओके, देव भूमि का सम्मान, कूड़ा इधर ना फेंके. सही है, एज ए टूरिज्म प्लेस के लिए हमें एज अ क्लीन तो रखना ही चाहिए. चलो आगे चलते. बर्फ है यहाँ पर दोस्तों, तो संभाल के चलेंगे हम, बिकॉज यहाँ पर नीचे सिस्टम है. तो चलिए चलिए चलिए. इस सीजन में बर्फ रहता है, बट जैसे जैसे आप फेब के आगे जाते हो वहां से, आई डोंट थिंक सो बर्फ रहेंगी. चलो डॉगी, कम ऑन, कम ऑन डॉगी. तो पीछे यहाँ से फिसलन है वो सारी ऊपर चढ़ते हुए, फिर भी हम आने की कोशिश करेंगे. गाइज यू कैन वॉच हियर, बहुत स्लिपरी है यार, लोग बहुत सारे गिर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत फिसलन है. कुत्ता भी फिसलने की कोशिश कर रहा है यार. देखो पीछे पीछे आ रहा है, और ये हमारे मैम जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक आने की, बिकॉज हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट है ना, इसको हैंडल करते करते इतने ऊपर आना बहुत मुश्किल जा रहा है. देख सकते हो आप, ओनली स्नो, ओनली स्नो. This is Jogini waterfall in front of me, and this beautiful view you can see over here, very high from where we at. यहाँ से ही ऐसे 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 पानी उतरते जाता है, उतरते जाता है. अभी ज़्यादा पानी नहीं है, ऐसे लोकल एड कह रहे थे, तो पता नहीं जब ज़्यादा पानी रहेगा तो तब कैसे रहेगा, मतलब लाइक कब, कौन सा सीज़न, वो रेनी सीजन है ना. हेंस वी आर बिहाइंड ऑफ जोगिनी वाटरफॉल. यार इतनी खतरनाक ये ट्रैक है, छोटी सी है, बट एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग स्नो शूज ना, दैट्स वाई इट्स गेटिंग सो मच डिफिकल्ट ओवर हियर टू क्लाइंब
ऑन दिस बिकॉज अगर फिसले तो गए काम से, हड्डी तो टूटनी है पक्के से पक्के। सो गाइस एग्जैक्ट जहाँ पर वाटरफॉल है वहाँ पर हम पहुँच गए, दिखा था आपको वाटरफॉल कहाँ पर है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ Guys, you can see everyone is climbing onto the mountain of Himachals. Very fascinating to see. और मजा आएगा यहाँ पर। हम कहाँ पर थे अभी, कौन सा है? जोगिनी, जोगिनी वाटरफॉल। वहां से और ऊपर राइड करते करते जा रहे, बहुत हार्ड है बिकॉज नो इक्विपमेंट, नो स्नो शूज, नो क्लाइंबिंग। या सो और हाइट पर जाते जाते विथ ऑपरेटिंग मोबाइल टू ब्यूटीफुल behind view, front view, every view is so fascinating. अभी फील हो रहा है कि यार कुछ लाइफ में कर रहे, हार्ड वर्क बोलते हैं, स्टडी मतलब हार्ड वर्क नहीं होता दोस्तों। इन वर्ल्ड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच आर मोर हार्डर देन स्टडीज। दिस ऑल गाइस हु आर डूइंग ब्रेक राइट नाउ। इसी दौरान यहाँ पर हमें पाइंस के जंगल लग चुके हैं। दिस ब्यूटीफुल पाइंस व्यू, जोगिनी वैली, जोगिनी हिल्स ऑफ हिमाचल। Behind me you can watch Solar Valley and Rohtang Valley, both are common, right? This is the way where we are heading from. वो difficult जाएगा कैमरे हैंडल करते करते दोस्त, आपको दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, यही तो है बात। Now मेरे पीछे देख पा रहे हो दोस्तों, this beautiful hills. अभी तक आपने देखा था कि नीचे से जोगिनी वाटरफॉल कैसे दिख रहा था,
एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतने हाइट पर भी जोगिनी वाटरफॉल है एंड वहाँ पर ऐसी बर्फ गिरती है एंड लोग भी रहते हैं एंड दिस काइंड ऑफ वाटरफॉल यू वोंट बिलीव दैट यार, इट इज सो फैसिनेटिंग. गाइज बिहाइंड मी दिस वाटरफॉल, आई एम वेरी क्लोजर टू दिस वाटरफॉल, दैट्स कॉल्ड जोगिनी. Love it to see this.